सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। हंगामा 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 मच गया मच गया हंगामा 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 मच गया मच गया हंगामा। वो प्यार है या कोई जंग है, ये अनदेखा सा रंग है, ये कुछ भी समझ में आए ना, है रामा हंगामा। लड़कियों के गाली देती है? नहीं तो क्या ताली दूं? धक्का क्यों मारा? मैंने कहा मारा? तुम यार क्यों मुझसे टकराई? चल चल, जानबूझ के टकराता है, जुबान चलाता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे शहर के लफंगों को। अकेली लड़की देखी नहीं और चालगिरी शुरू। ए, जुबान संभाल के बात कर। एक तो मेरा शर्ट का बटन तोड़ दिया और ऊपर से लफंगा बोल दिया। अब मैं कहाँ चलाऊंगा ये बटन? मालूम है कितना महंगा है? जो मेरा ड्रेस खराब किया उसका क्या? मालूम है लॉन्ड्री का बिल कितना था? लड़कियों के अपने कपड़े नहीं धो सकती क्या? अच्छा टाइम होता ना तो दिखा देती क्या क्या धो सकती हूँ, समझा ना। अरे पहले अपना मुंह धो के आ जा। चल चल देखिए तेज़ ऐसे रोड साइड रूम में समझाना। अरे चल तू भी निकल, चल चल चल। बाप रे बाप, मुझे नहीं पता था तुझ में इतनी हिम्मत होगी। किसी को कुछ कहे बगैर तू घर छोड़कर मुंबई आ गई। बाप रे, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो तू क्या करती? वो सब मैंने नहीं सोचा। अरे मैं वहाँ एक दिन भी रहती ना तो मेरी मम्मी वहाँ के जमींदार के बेटे से मेरी शादी करवा देती। तो क्या हुआ, किसी ना किसी से तो शादी करनी है ना? अरे वो लड़का आधा पागल है, एक नंबर का लल्लू। पापा ने मेरी माँ की बीमारी और मेरी पढ़ाई के लिए बहुत सारा कर्जा लिया था उसके पिता से। पापा तो कर्ज तले दबकर ही गुजर गए और अभी वो मेरे माँ के पीछे पड़े हैं। कहते हैं कि कर्जा नहीं चुका सकते तो मेरे बेटे की शादी अपनी बेटी से करवा दो, दहेज देने की भी जरूरत नहीं है। यानी कर्ज की रकम और सूद मिलाकर हुई तेरी जिंदगी। वैसे अब क्या सोचा है? अब तो बस किसी भी तरह एक नौकरी ढूंढनी है और सारा कर्ज चुका के उस जमींदार से पीछा छुड़ाना है। कोई भी नौकरी चलेगी। कहना आसान है अंजलि, मिलना मुश्किल। वैसे मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ रहती हूँ जो एयर होस्टेस है। वो नेक्स्ट फ्राइडे 10:30 बजे तक यहाँ आ जाएगी, तब तक तू चाहे तो यहाँ रह सकती है। हाँ मगर उसके आने के बाद
तेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। आई एम सॉरी बट बुरा मत मानना अंजलि, प्लीज। दो तीन महीने तक गुजारने के लिए पैसे हैं मेरे पास, बस किसी भी तरह नौकरी मिलने तक एक कमरा मिल जाए। देखते हैं क्या किया जा सकता है। आई एम गेटिंग लेट, मैं चलती हूँ जॉब के लिए। हाँ बाय। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, तुझे कैसे दूंगा? इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। चुप कर, इधर मेरी जिंदगी और मौत का एग्जाम चल रहा है और तू गला फाड़ फाड़ कर रो रहा है, स्टूपिड। अबे मानी क्या नहीं डार्लिंग? नहीं, ओ मामला मोहब्बत का है। कोई बात नहीं, मैं आपको एक ऐसा रोमांटिक गाना सुनाता हूँ जिसे सुनकर मैडम तुरंत हाँ कर देगी। अरे मैंने तो कब का हाँ कर दिया है डाइवोर्स के लिए, जो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैडम डाइवोर्स के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा गाना, लेकिन थोड़ा रोमांटिक, मगर वो है ना, तुम जाके तुम्हारी बीवी को सुनाओ, स्टूपिड इडियट गधरा। बीवी, अब नुकसान के लिए गाना गाओ। सर, तुम आदमी हो या कछुए की अगरबत्ती? जब से तुम्हें यहाँ रखा है कस्टमर लोग मच्छर की तरह भाग रहे हैं। सेठ जी देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा और ये मेरा सपना है। वो सपना ही रहेगा, जाओ तुम यहाँ से। सेठ जी आज 4 तारीख है। तो मैंने कब कहा 34 तारीख है? नहीं मतलब मेरा पगार, वो मैंने हिसाब कर लिया, 300 निकालो। लेकिन बात तो 4000 की हुई थी। हाँ 4000 की बात हुई थी, तुम्हारा पगार 4000 ही है, लेकिन तुम यहाँ रहते हो उसके पैसे कौन देगा, यहाँ खाते पीते हो उसके पैसे कौन देगा, लॉन्ड्री के पैसे कौन देगा, सब मिला के बिल हुआ है 4300। तुम्हारा पगार है 4000, निकालो 300 निकालो। सेठ जी लेकिन ये तो 420 ही है। अच्छा तो जाओ दूसरी नौकरी ढूंढ लो, जाओ जाओ। ए भोलू, आजकल तेरा दूध बहुत पतला आ रहा है, दूध में पानी मिलावट है का? कसम तुम्हारी चाचा, आज तक भोलू ने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। हाँ पानी में दूध मिलाता है, परवड़ता है तो लेने का, नहीं तो छोड़ देने का। अरे क्या नंदू भाई, कैसा है? अरे रोज की तरह कुछ गाओ, गुनगुनाओ। गाओ क्या खाक, रात भर मच्छर की गुनगुन सुन के थक गया हूं मैं। कमरे में क्या मच्छरदानी नहीं थी? मच्छरदानी छोड़, छत और दीवार भी नहीं थे, प्लेटफॉर्म पे सोया मैं रात भर। अरे ऐसे टाइम पे भोलू को याद करने का ना, अपने पास है एक जगह एकदम मस्त, सस्ती और टिकाऊ, लेकिन उसके लिए अपने को कमीशन देना पड़ेगा, एक 500 की पत्ती। दूंगा लेकिन कहाँ? अरे बताता हूँ, बीवी है। बीवी? अरे पूरा बात तो सुनो, अपना वो पोपट मारवाड़ी है ना सूदखोर, वो रहने के लिए कमरा देता है एकदम सस्ते में, लेकिन साला देता सिर्फ शादीशुदा आदमी को है। क्यों? अरे क्योंकि उसकी जो बीवी है ना, वो दाल फ्राई भी डबल तड़का है, वो साला उस पे बहुत शक खाता है। अरे लेकिन मैं बीवी कहाँ से लाऊंगा? अरे भोलू है ना। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? अगर मैं पोपट मारवाड़ी को बोलूं कि तू मेरी बीवी है। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे लिए एक बीवी का भी बंदोबस्त कर दूंगा। हाँ लेकिन उसका अलग कमीशन लगेगा। अबे तू दूध वाला है, कमीशन एजेंट है या पंडित है? अपन तो ऑलराउंड है क्या? नाम है भोलू पर आदमी है तू बहुत चालू। दूसरी दीदी कहाँ है? नहा रही है। जल्दी से पतीला लाकर दूध ले लो, अपन को और भी काम है। बोलू मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। क्यों क्या हुआ? ये मेरी सहेली अंजलि, इसे रहने के लिए कमरा चाहिए लेकिन सस्ते भाड़े पे, जरा पता लगाना। हाँ है एक जगह एकदम सस्ते में। हा? लेकिन सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए। शादी बनाया? नहीं ये यहाँ किसी को नहीं जानती, लेकिन भोलू तो जानता है ना। भोलू मेरा अच्छा। हाँ, भोलू मस्का रहने दो, कमीशन मिलेगा कि नहीं? दूंगी। ठीक है फिर अपन करता है एक नकली पति का बंदोबस्त। तो तू घर छोड़ने की सोच रहा है? ये ऊपर वाला भी अजीब अजीब गेम खेलता है। एक मैं इस फिराक में हूँ कि कब वो मेरा कबूतर खाना छूट जाए और मैं किसी महल में जाकर टिक जाऊँ, और एक तू बना बनाया महल छोड़ रहा है। अगर मेरे जैसा बाप होता ना तो वो महल तुझे कबूतर खाने से भी छोटा लगता। क्या प्रॉब्लम क्या है यार? तेरे को मालूम है जब से कॉलेज से निकला हूँ तब से मांग रहा हूँ भिखारी की तरह, पैसे दे दो पैसे दे दो, बिजनेस शुरू करना है। यार पैसे की बात करो तो जैसे कुत्ते के दुम पर पैर रख दिया हो, हद हो गई है यार। तो तेरे पास एक ही रास्ता है दोस्त, तू बाप बदल ले। क्या? हाँ, किसी अमीर घर की लड़की को पटा, शादी बना ले और उसकी बाप के जायदाद का वारिस बन जा। पोपट बना रहा है मुझे? मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक लड़की को पटा भी लिया है, वो कचरा किंग तेजा भाई उर्फ कचरा सेठ, नाम सुना है ना उसका? उसकी एकलौती लड़की माधुरी
कचरा सेठ की बेटी और तू। अबे औकात में रह के बात कर, उसके लिए और कुछ नहीं, कचरे का डब्बा खरीदने की हैसियत है तुझमें? हैसियत मुझ में तो नहीं है, लेकिन सेठ राधेश्याम तिवारी का बेटा अगर चाहे ना तो कचरे का डिब्बा क्या पूरा कचरा सेठ को खरीद सकता है। कौन तिवारी? वो अंजलि इंडस्ट्रीज का मालिक? बिल्कुल, अंजलि फूड्स, अंजलि क्लोथ्स, अंजलि फार्मास्यूटिकल और बहुत सारी अंजलियां मेरे बाप के नाम है। तूने उसे कहा कि तू राधेश्याम तिवारी का बेटा है? देख दोस्त, हिम्मत मत हार, ये पैसे के मामले में चमड़ी जितनी मोटी हो ना उतना अच्छा है। पैसे मांग मांग के बाप को इतना परेशान करना, अरे कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो देगा। डैड, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे रहे या नहीं? तुम इतने सालों से मांग रहे हो, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। ये लो रखो, इससे जो बिजनेस करना है कर लो। 10 रुपये? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये लो सुनो, 10 रुपये इसको कम लगते हैं। मेरे दादाजी ये 10 रुपये में घर चलाते थे। मेरे पिताजी ये 1 नोट लेकर ही शहर में आए थे और तेरे नाना जी ने भी मुझे दहेज में इतने ही रुपए दिए थे। माँ तुम कुछ कहो ना प्लीज। मैं क्या कहूँ बेटे, मैंने तो सिर्फ एक डायमंड का नेकलेस मांगा था, वो भी नहीं दिया। कल गांव की जमीन का सौदा हुआ, 80 लाख रुपए मिले, पैसा देखना तो दूर सूंघने को भी नहीं मिला, सारा तिजोरी में डाल बैठे हैं। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, घर में 80 लाख रुपए हैं और आप मुझे 7.5 लाख देने से इनकार कर रहे हैं? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, कपड़ा वपड़ा, ये सब मेंटेनेंस में बहुत खर्च होता है मेरा, इसके सिवा तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। पापा अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा मुझे, मैं करूंगा क्या? चोरी करो, डाका डालो, मुझसे पैसे मत मांगो। बस अब मैं और नहीं सह सकता, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ, जा रहा हूँ। जीतू, जीतू, मैंने पता कर लिया, राधेश्याम तिवारी का बंगला पाली हिल में खाली पड़ा है, वहाँ सिर्फ एक नौकर के सिवा कोई नहीं रहता। लेकिन जब कचरे को पता चलेगा तेरी बैंड बजा देगा वो। वो मेरा बैंड बजाने के पहले मैं माधुरी से शादी निपटा लूंगा, एक बार शादी हो गई खत्म। आफ्टर ऑल लड़की का बाप, वो भी इकलौती, क्या कर लेगा, फिर तो उसे मुझे अपना दामाद मानना ही पड़ेगा। पागल हो गया तू, पहले ये बता मैं अपने विलेन बाप का क्या करूं? मांगे, तूने पैसे मांगे? अरे पिछले आधे घंटे से क्या हिब्रू में बोल रहा था मैं, सांप की तरह बैठा हुआ अपने पैसे पर, कुछ नहीं देगा। लेकिन वो बोला क्या? बोलता है डाका डालो, चोरी करो, मैं तेरा केस फ्री में लड़ूंगा। अच्छा है ना, डाका डाल, बेस्ट धंधा, नो कैपिटल रिक्वायर्ड। क्या करता है वो? कंधे पर पतला सा तंबूरा लटका कर गाने गाता रहता है वो। मतलब भिखारी है? मुझे भिखारी के साथ रहना होगा? भिखारी नहीं, बड़े दिल वाला है। लो आ गया वो। सॉरी मुझे आने में जरा देर हो गई। तुम? अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, वेरी गुड, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इस गुंडे लफंगे के साथ कभी नहीं रहूंगी। और तुम्हें लगा कि मैं तुम जैसे डायन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊंगा? तुमने मुझे डायन कहा? हाँ? अरे नहीं नहीं, तुम डायन नहीं हो, तुम तो डायन की माँ हो, सास हो, बहन हो, भतीजी हो, अरे ये तो खानदानी डायन है। प्रिया चलो यहाँ से। अंजलि, 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 बच्चों जैसी हरकत मत कर, मेरी कल रूममेट आ जाएगी, इसलिए तुझे कैसे भी आज ही रूम का बंदोबस्त करना है, अभी तो टेम्पररी एडजस्ट कर ले, बाद में हम नई जगह ढूंढ लेंगे। अरे रे बॉस, एक मिनट सुनो तो, मुंबई में फुटपाथ पे सोने के भी पैसे लगते हैं और ये डेंजरस भी है, कहीं किसी की गाड़ी वाड़ी चढ़ गई ना आप पे तो हो जाएगा राम नाम सत्य। बोलो ये तैयार है? बॉस भी तैयार है। अब पोपट मारवाड़ी की शर्त के मुताबिक तुम दोनों को शादीशुदा दिखना चाहिए और इसीलिए ये रहा मंगलसूत्र, इसके 50 रुपए अलग से लगेंगे, ये लो पहना दो। ए मैं किसी अरे गरे से ही मंगलसूत्र नहीं पहनने वाली। अरे तो ला मैं पहना देता हूँ उसमें। दूरा, दूरा, चल, दूरा, अरे इसके लिए आएगा ना कोई झुमरी तलैया का वो राजकुमार, दे दे यार इसे। ओफो, एक मिनट मैं पहना देती हूँ। अरे पोपट से जानवा चले रे, वाह वाह, क्या बात है भाग मारे? मैंने चोर को 50,000 रुपए के साथ पकड़ा, अभी मेरे को जरा डायबिटीज का प्रॉब्लम ना, मैं रास्ते में जरा पेशाब करने को गया तो? और वो चोर 50,000 रुपए लेके भाग गया, पहला टका ना। अरे कैसे? आज से मैंने नक्की किया किसी भी चोर पे भरोसा नहीं करने का। आ, बस। आ, आ, वो तो है। अभी वो इंस्पेक्टर आने क्या बोलता है मालूम है? क्या? क्या? मैंने चोर से 50,000 रुपए लिया मैंने और चोर को भगा दिया करके, उल्टा मेरे खिलाफ राने ने FIR दर्ज कराया। मैं ऐसा आदमी लगता है क्या आपको? लगता है क्या? अरे यार ये तो पहली बार ऐसा किस्सा सुना मैंने। अगर मैंने वो राने के टेबल पे 50,000 रुपए नहीं रखा ना, नहीं रखा ना, मेरी नौकरी गई। नहीं नहीं नहीं, पैसे तो मैं दूंगा लेकिन 10% लूंगा। अरे 10% काय को, पूरा का पूरा पैसा वापस करेगा मैं शपथ। पैसे मैं पूरे लूंगा, ब्याज 10% लूंगा। 10% बस? और गिरवी रखना पड़ेगा कुछ? हाँ, मिला है। लाया?
लाए खोली के कागजात और ये स्टैम्प पेपर लेके आया मैं। अरे तने कितनी बार बोलियो है, अंदर जा। पर आयो मर देखियो नहीं कि दौड़ के आ गई। जिनको किराए पे घर चाहिए वो लोग आ गए। आ गए। नमस्ते सेठ, कैसा है? नमस्ते। कितने दिन हुई शादी को? अभी अभी हुई है। अबे तू तो कह रहा था कि इनकी शादी। मेरा मतलब है काफी टाइम हो गया है, काफी टाइम हो गया है, है ना? नॉनवेज तो नहीं खाता है ना? नहीं। एक दूसरे को छोड़कर भाग तो नहीं जाओगे? अरे सेठ ये क्या कोई बैल बजा रहे क्या? गाड़ी कितना खींचता है, कितना खोदता है, ये सब पूछने का क्या जरूरत है? अपन सीधे एक बात समझाते हैं, ये बीवी है, ये शोहर, चाबी इनको देने का है और कमीशन अपने को, समझ गया ना? एडवांस लाया है? हाँ, है ना मेरे पास। ठीक है, तुम दोनों आज ही से रहना शुरू कर दो। दुलारी इनको घर दिखा दे। पैसे की लालच में बुड्ढे पति पत्नी का कत्ल, नौकर गिरफ्तार। सुना तुमने, मैंने जब तुम्हें कहा था कि घर का सारा काम खुद ही कर लिया करो, नौकर की कोई जरूरत नहीं, तब तुमने क्या कहा था? मैं कंजूस हूँ, ये लो नौकर रख के देखो, रात को सोओगी घर में लेकिन उठोगी सीधी नरक में। हाँ, यहाँ मैं आपके साथ कौन से स्वर्ग में रह रही हूँ। अरे जीतू बेटे तू आ गया। जी वाह। ओहो, जिस स्पीड से तुम गए थे उस वक्त तो मुझे लगा था कि इस जन्म में इस घर की तरफ मुड़ के देखोगे भी नहीं। क्यों, जेब खाली होते ही घर की थाली याद आ गई? चाहिए तो दो निवाले खा लो, लेकिन पैसे के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। डैडी, डैडी, मैं यहाँ आपका आशीर्वाद लेने और लड्डू खिलाने आया हूँ। मैंने नया बिजनेस शुरू किया है। अच्छा, कैसा बिजनेस? वही माँ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सब सीडी प्लेयर्स, डीवीडी प्लेयर्स, टीवीज वगैरह सब कुछ, बहुत बड़ा शोरूम है। तो फिर बहुत खर्चा हुआ होगा ना? माँ मैंने कुछ 7.5 लाख रुपए डाले और बाकी 60 लाख रुपए बैंक ने दिए। 7.5 लाख रुपए कहाँ से मिले तुझे? कमाल करते हैं आप डैडी, आप ही ने तो सही रास्ता दिखाया। मैंने कौन सा रास्ता दिखाया था? आप ही ने कहा था ना कि चोरी करो, डाका डालो, डाल दिया। माधुरम, पता चला है घर में बहुत पैसे हैं। रात को वहां गया, मियां बीवी गहरी नींद में थे। तकिए के नीचे से चाबी निकाली, सेफ खोला, पैसे निकाले, चाबी वापस रख दी। अभी तक तो उन लोगों ने पुलिस भी बुला ली होगी। अरे अभी तक उनको पता ही कहां चला, अभी पता चलेगा उनको। लेकिन डाका कहां डाला बेटे? इसी घर में पापा, वो जो गांव की जमीन बेचकर आपने पैसे इकट्ठे किए थे ना, उसी में से। हाँ। अपने बाप को ही चूना लगाया तूने, आज दिन के सांप। शराफत से मांगा तो दिया नहीं, बोला डाका डालो। अब बाप की बात अब बेटा कैसे ढाल सकता है पापा? और वैसे भी सारा पैसा काला ही था। आने दो पुलिस को, मैं सब कुछ बता दूंगा, फिर हम दोनों साथ साथ जेल जाएंगे। रेनुका सच बता, ये मेरा ही बेटा है? अब तो मुझे यकीन हो गया है ये आप ही का बेटा है। मेरा लाडला है ना, मेरा दुलारा है ना बेटा, अच्छा बेटा है ना। पापा के पैसे वापस लौटा दे बेटे। वो तो मुमकिन नहीं है। पक्का? पक्का। निकल जा घर से बाहर नालायक, निकल जा। उसी के लिए तो आया हूँ। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। यश, सुना है ये घर भाड़े पे देना है, सही है क्या? सही नहीं है। आप कौन है? मेरे घर में आके मुझी से पूछ रहा हूँ मैं कौन हूँ? नहीं, यहाँ पे झाड़ू पोछा फड़का मारने के लिए आदमी रखा था पांडू, वो नहीं है क्या? क्या काम है? नहीं, उसी के फायदे का काम था, थोड़े पैसे कमा लेता। खैर नहीं है तो जाता हूँ मैं। चाँ, 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 मैं ही हूँ पांडू, आपको यकीन नहीं आ रहा ना, देखिए। अच्छा, ये है असली फिल्म, वो ट्रेलर था। वो तो पांडू की एक छोटी सी लीला है ना साहब। आइए ना साहब, अंदर आइए, आइए आइए साहब, आइए 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 साहब। किशन भगवान ने भी कहा है एक छोटा सा चलेगा। नहीं, मुझे चलेगा। अरे अरे अरे, सोडा पानी कुछ नहीं? नहीं, जरा भी नहीं? नहीं, मालिक ने ये ड्रिंक्स यहाँ मेहमानों के लिए रखे हैं। अब मालिक आएंगे तो ही मेहमान आएंगे ना, पड़े पड़े ये खराब ना हो जाए, इसलिए मैं स्मॉल स्मॉल मारता रहा और स्मॉल स्मॉल पानी डालता भी रहा। ऐसे होते 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 इसमें सिर्फ पानी ही रह गया है। पांडू, आदमी बहुत चालू है तुम। ऐसी कोई बात नहीं साहब, आपको देखते ही मुझे आपके अंदर भी एक चोर नजर आया, तो मैं भी आपको बताना चाहता था, मैं भी आपके टक्कर का हूँ। वो कुछ पैसे की बात कर रहे थे। तुम यहाँ अकेले रहते हो ना? हाँ, पिछले कितने सालों से मालिक ने यहाँ मुड़कर भी नहीं देखा। इतने बड़े रईस होकर भी रहन सहन बिल्कुल देहाती हो जैसी,
सारा हिसाब किताब मैनेजर लॉयर वहां जाकर दिखाते हैं। मुझे पगार देने के लिए शहर में इतना बड़ा बंगला बना के रखा है। इस पगार के ऊपर थोड़ी मलाई मिल जाए तो इस बारे में पांडू का क्या ख्याल है? बड़ा ही नेक ख्याल है। हाँ, तो फिर कल से यहाँ पर राधेश्याम तिवारी का बेटा रहने वाला है, यानी कि मैं। एकदम फर्स्ट क्लास। शेरो, तेरी खबर बिल्कुल सही है। 100% पक्का है कचरा सेठ। सॉरी तेजा भाई। कौन है वो? जी वो सेठ राधेश्याम तिवारी का बेटा। वो अंजलि इंडस्ट्रीज वाले करोड़पति राधेश्याम तिवारी? जी। उसने कहा कि वो तुमसे शादी करेगा? सच सच बोले तो जान से मार दूंगा। जी जी, दरअसल वही कब से आपको मिलना चाहता है। कसम कांटे की, अब जाकर तू मेरी बेटी बनी। मुझे मालूम था तू कचरा भी ढूंढेगी ना तो तेरे को डायमंड मिलेगा, हीरा। ए, हटो यहाँ से। ए, मेरा बिस्तर है। तुम्हारा बिस्तर? आधा किराया देती हूँ मैं इस घर का। और बाकी आधा आसमान से टपकता है क्या? ठीक है, एक काम करती हूँ, दो चिट्ठी लिखती हूँ, एक में तुम्हारा नाम, एक में मेरा नाम। जिसके नाम की चिट्ठी आएगी बिस्तर उसी का। ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, लिखो। एक मिनट, एक मिनट, मैं चुनूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अंजलि, चलो चलो चलो, उठो, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। देख क्या रहे हो, जाओ यहाँ से। जब मैं फर्श पर सोता ना तो शरीर में ठंड लग जाती और खराटे अपने आप शुरू रहते ऐसे। अरे खराटे हैं या बम के धमाके? मैं इतनी आवाज में नहीं सो सकती, मुझे सोने के लिए शांति चाहिए। तो जाकर छत पर सो जा, मैं क्या करूं? अगर मुझे जमीन पर सोना पड़ा तो मैं खराटे को रोक नहीं सकता। ठीक है, जाओ जाके बेड पे मरो, मुझे सोने के लिए बिस्तर नहीं शांति चाहिए, जाओ। ओके। पांडू, पांडू। हाँ? कचरा, कचरा। आंख में कचरा गया तो पानी डालना। अबे कचरा सेठ है, मैंने जो बोला है याद है ना? गड़बड़ हुई ना तो एक पैसा भी नहीं दूंगा। चल 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 चल। नमस्ते, नमस्ते। यस। वो मिस्टर अनिल। फोन पे, फोन। डेढ़ दो करोड़ के लिए यार फोन मत किया करो। मेरे ऑफिस के ड्रॉवर में ले लो वहां से। अच्छा वो गाड़ी का क्या हुआ? कौन सी? फरारी? अरे वो तो बहुत ही कॉमन हो चुकी है, सचिन के पास भी है। नहीं, मुझे रोल्स रॉयस चाहिए। हाँ? तीन। हाँ? एक मेरे लिए, एक डैडी के लिए और एक मेरे होने वाले ससुर को चंदे में देने के लिए। यस। मैं तेजा भाई। किसका भाई? अब कचरा, कचरे वाला। माफ करना भाई, बूट सैंपल ऐसा कुछ भी नहीं जी ना, तुम जाओ जाओ, माफ करना। मैं माधुरी का पिता हूँ। ओ ससुर जी, माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, पहचान हो जाएगी। माधुरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या हीरा ढूंढा है मेरी बेटी ने, खूब जमेगी जोड़ी। माधुरी वेड्स अनिल, सुपर हिट। फिर कब रखे शुभ मुहूर्त? वो तो जितना जल्दी हो सके उतने ही। लेकिन बेटे तुम्हारे मम्मी पापा को तो बताना पड़ेगा ना। वही तो प्रॉब्लम है। दरअसल मेरे मम्मी डैडी चाहते कि मेरी शादी कहीं टाटा बिरला जैसे खानदान में हो। मेरी कुंडली भी लेके गए, लेकिन मैंने साफ बता दिया मैं शादी करूंगा तो माधुरी से ही। हाँ ये तो पक्की बात है। तो भाई करना क्या है? करना क्या है, जल्द से जल्द शादी। और वो तुम्हारे डैडी? एक बार शादी हो जाए तो कोई कर भी क्या सकता है। और अगर कुछ किया भी तो 50 करोड़ रुपए छोटे मालिक के नाम पे है। वो क्या है कि शादी के बाद तो सबको सहना ही पड़ता है, बाद में सब स्वीकार कर लेते हैं। बेटे अगर मैं भी होता ना तो यही करता। यही सोच कर तो मैंने रिस्क लिया है,
शादी का? ठीक है, तो कल ही सगाई हो जाएगी। हाँ। अंगूठी पे बदल लेंगे। हाँ। अच्छा दिन देके शादी भी कर लेंगे। हाँ। लेकिन ये सब होने से पहले अपने पापा से कुछ नहीं बोलना। चलिए मुंह मीठा करेंगे। चलो चलो चलो, सब कुछ हो जाने के बाद ही सबको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। शहर से सहाय साहब आए हैं। ठीक है, रामधन को कहना बछड़े को सीता से दूर रखे, सारा दूध पी जाता है। जी मालकिन। अजी सुनिए। वाह वाह, क्या आवाज है। वाह, पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा मुझे। अरे भगवान, मैं तुम्हारे नहीं, ये उस्ताद आमिर खान साहब की आवाज की बात कर रहा हूँ। अब तनिक इसका गला बंद भी कीजिए, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे ही बातें करती हो? भाई हमने तुम्हारे नाम के बिजनेस दुनिया भर में खोल रखे हैं, हा? और तुम अपनी अकल की अठन्नी भी इस्तेमाल नहीं करती। खोपड़िया में बैलेंस है कि पार्टी उठ गई है? ठीक है ठीक है, बहुत हो चुका गाना बजाना, बाहर चंद्रकांत जी और रेणु का इंतजार कर रहे हैं। ओहो, तो पहले ये बताना चाहिए ना, अनाप शनाप बकती रहती है सुबह सुबह। अरे अंजलि बहन, आप तो हमेशा तकलीफ उठाती हैं। इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप हमारी दोस्त ज्यादा और एड्स वायरस कम है। एड्स वायरस नहीं अंजलि देवी, एडवाइजर, लीगल एडवाइजर कहिए। सब एक ही है जी। लो बोलो, एक ही है? तुम्हें तो आलू और भालू में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। अब मैं अंदर आमिर खान साहब की बात कर रहा था। आप तो जानते हैं आमिर खान को। आमिर खान, उन्हें कौन नहीं जानता, मैं तो दीवाना हूँ उनका। देखा, ये होता है जानकार इंसान, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल कल्चर्ड, और इसे तो गाय गोबर भैंस घास यही दुनिया है इसकी। नहीं नहीं भाई साहब, इस पे दोष अंजलि बहन का नहीं है, आपका है। आपने इन्हें शहर की हवा लगने ही नहीं दी। चार दीवारों में बंद रह के थोड़ी ना दुनिया की खबर मिलती है। ऐसा नहीं है भाभी जी। ऐसा ही है, आपने अपने बेटा और बेटी को लंदन क्यों भेजा? देखिए, हम तो यहाँ गांव में पैदा हुए हैं और आखिर दम तक यहीं रहेंगे। बच्चों की बात और है ना भाभी जी, उनको तो जमाने के साथ कदम मिलाना है, आगे बढ़ना है। तो भगवान करे आनंदीलाल काटपिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो आपके साथ ना हो। क्या हुआ? अरे आप ही की तरह आनंदीलाल काटपिटिया ने अपने बेटों को भेज दिया लंदन पढ़ने के लिए, और ये दोनों रह गए गाँव में। अब हुआ ये कि बच्चे बने बड़े मॉडर्न हाईफाई, और ये दोनों वैसे के वैसे देहाती। बच्चे जब लंदन से वापस आए तो यहाँ के देसी माहौल में वो एडजस्ट नहीं कर पाए, उन्हें अपने माँ बाप की शर्म आने लगी। अरे साथ रहना तो दूर, बच्चे उन्हें मम्मी डैडी कहने को भी तैयार नहीं थे। फिर एक दिन दोनों बच्चे उन्हें यू ब्लडी देसीज कह के वापस लौट गए लंदन। फिर कभी बच्चों ने माँ बाप का मुँह तक नहीं देखा, मरते दम तक तरसते रहे बेचारे। हे भगवान, अगर हमारे बच्चे हमसे ऐसा करेंगे मैं तो मरी जाऊंगी। मैं कितनी बार इनको कह चुकी हूँ कि शहर चलते हैं, वहाँ के तौर तरीके सीखते हैं। देखिए ना, चलिए जी शहर चलते हैं, एक महीने के लिए सही। हाँ हाँ, आप जिद मत करो, मैं तो वो आनंदीलाल कटपिटिया के साथ। सोचेंगे सोचेंगे, निकालिए। जरूर सोचिए, ये रहे सारे रिपोर्ट्स। गोपाल, पर हाँ, अंजलि केमिकल्स के केस पेपर्स में अगले हफ्ते आऊंगा तो लेकर आऊंगा। ठीक है ठीक है। अच्छा तो हम चलते हैं। जी सर, वो आमिर खान मिले तो मुझे बुलवाइएगा, उनके साथ फोटो खिंचवाना है। वो तो चल बसे। ये कैसे हो सकता है, अभी अभी तो मैंने लगान देखी। लगान? अरे मैं उस्ताद आमिर खान, आपने सुना है उनको? चलो चलो बस निकल जाएगी, चलो। तुम सब एक ही खेत की मूली हो। लगान? अरे काहे का लगान भाई। रसम पूरी हो गई, जान छूटी। ए ये क्या कह रहे हो? मतलब अच्छा हुआ। दस दिन के बाद शुभ मुहूर्त है जी। हाँ हाँ है ना पंडित जी, उसी दिन शादी कर लेंगे। वैसे भी मैं ये पराठे खाने वाला हूँ, तुम नहीं, ज्यादा हंसो मत। हंसने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब हंसने वालों की एक ही जगह होती है पागल खाना, और टूटे फूटे जले हुए पराठे की जगह एक ही है कचरे का डिब्बा। मेरे पराठे ना टूटे हुए है ना जले हुए, पेट भर के खाऊंगी। अरे कोई है के वरबाड़ी लाइट और पंखा चालू रख के हनीमून मनाने के लिए चले गए हैं? अरे कैसा है, सब ठीक है ना, कोई तकलीफ? किस चीज की खुशबू आ रही है, क्या पक रहा है, आलू के पराठे? हाँ नई नई शादी हुई थी तब दुलारी ने भी पहली बार बनाए थे। अच्छा। खाते ही उसकी वहाँ चल बसी। उस दिन से लेकर आज तक हमारे घर में मेरी बाड़ी ने कभी आलू के पराठे नहीं बनाए। लेकिन
मेरी मेरी बॉडी बहुत अच्छा बनाती है। आप लेंगे? लेंगे आप लेंगे? हाँ हाँ। नहीं नहीं, आप लोगों को कम पड़ जाएंगे। अरे लीजिए ना, लीजिए ना। नहीं, अरे भाभी जी को कोई वांधा तो नहीं है ना? भाभी जी, आपको कोई वांधा तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। देखा, अरे लाओ लाओ, जल्दी लाओ। अच्छी बात, पराठे लेकर आओ, जल्दी करो। तो खाली है लेकिन दोबारा। चलो डार्लिंग जल्दी करो, बबुला जी ठहरे हुए। अरे एक से क्या होगा इनका, एक से और है ना, टूटे हुए ना जले हुए। गर्मा गर्म पराठे ये लीजिए, सारे ले लीजिए, आपके लिए, भाभी जी के लिए। अच्छा चटनी? अरे एक सेकंड, है ना, बिना पराठे चटनी क्या काम है। ये लीजिए, पूरी ले लीजिए, पूरी ले लीजिए। हाँ, कटोरी हम लोग बाद में ले लेंगे। ओके, दही वो नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, थैंक यू भाभी जी, इट्स कम्प्लीटली माई प्लेजर। अच्छा मजो पड़ गए। जला हुआ टूटा फूटा ही सही, लेकिन मुझे पेट भर के खाना तो नसीब हुआ। देख लूंगी। अरे तुम यहाँ हो, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया यार, बैंक में बार में। अरे मिल जाएंगे यार पैसे तेरे, पहले शादी तो होने दे। शादी चाय ला रहा है? नहीं होगी, अब तो बर्बादी होगी। क्या सुबह सुबह पी ली है क्या? अभी तो सिर्फ पी ली है, कल वो आ जाएंगे तो लाल हरी नीली और गीली भी हो जाएगी। क्या बकवास कर रहा है, कौन आ रहा है? आपके पूज्य पिताजी सेठ राधेश्याम तिवारी। क्या? अपनी चटनी के, मेरा मतलब है पत्नी के साथ पधार रहे हैं। मैं क्या करूं? अंडरग्राउंड हो जाओ, शहर छोड़ दो, देश छोड़ दो, हो सके तो दुनिया भी, लेकिन इस वक्त यहाँ से निकल जाओ। क्या बात कर रहे हैं यार, वो बूढ़े राधेश्याम को गाय भैंस मंदिर तालाब और गाय का गोबर देखे बगैर नींद नहीं आती। ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता ही टिकेगा इस शहर में, एक हफ्ता कहीं गुम हो जाओ। ये तो बड़ा खर्चे का काम है यार, स्टाइल मारते मारते कर्जे में यहाँ तक डूब चुका हूँ मैं। वो कचरे ने एक अंगूठी दे दी है ना, उसे गिरवी रख के कोई सस्ते लॉज में छुप जाओ। एक हफ्ते की बात है ना, सिर्फ एक हफ्ते की। ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। हे राम। क्या लंदन जा रहे हो एक हफ्ते के लिए? क्यों भाई ऐसा अचानक? बिजनेस के लिए? पैसा कमाने के लिए? जाओ जाओ, देखो हवाई जहाज में अपना ध्यान रखना, खिड़की के बाहर अपना हाथ मत निकालना। हाँ माधुरी से बोल दूंगा, जाओ जाओ पैसा कमाओ, बाय। तो हमारा पांडू है। शाबाश, कैसे हो पांडू? आपकी दुआ है मालिक। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्वागत है सर। अरे भैया सब कहाँ हो रहा है? सर ये हमारी कंपनी के मैनेजर हैं केसी शुक्ला। अच्छा, 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 अच्छा। आप हमारे शहर में पहली बार है इसलिए हमारी तरफ से छोटा सा वेलकम। आप थक गए होंगे सर, अब हम चलते हैं। अरे ऐसा कैसे चलेंगे, मुझे सब लोगों से जान पहचान जो करनी है। ठीक है सर, आइए आइए, सब लोग अंदर आ जाइए, आइए। अरे पांडू तू कहाँ चला, सामान लेकर? रहना हफ्ता दो हफ्ता, ऐसा कितना सामान हो? ओ, तुझे किसने कहा? तो फिर सर यही रहने वाले हमेशा के लिए। पांडू, ओ पांडू क्या हुआ? कुछ नहीं, सामान लेकर आ। हे भगवान, मेरे पेट पर लात मारने के लिए कितना बड़ा पैर उठाया तूने। बिस्तर के लिए किसी ने क्या क्या पापड़ बेले थे, अब बैठे हैं भीगी बिल्ली बनके। फर्श पे सही, कम से कम मैं सो तो सकती हूँ आराम से, यहाँ तो पानी की बूंद भी नहीं है। आज तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे। आज तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो मेरे पास रहने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दे। आज
देखें तेरा चेहरा, चेहरे पे दिल ठहरा, मेरी धड़कन पे हरदम तेरी यादों का पहरा। सहने दे ये दर्द मोहब्बत, सहने दे तेरा दिल मेरे पास रहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे। आज तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, मेरा दिल तेरे पास रहने दे, मेरा दिल तेरे पास रहने दे। दूर हटो, हटो। मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, ये मेरी मजबूरी है। मुझे पता था कि तुम शराफत के पुत्र नहीं हो, लेकिन थोड़ी बहुत नाम के लिए तमीज है तुम्हें, लेकिन तुमने मेरा वहम तोड़ दिया। आगे से मेरे साथ बात मत करना। I'm sorry. शट अप, मुझसे बात मत करना तुम। ताल दे रहे हो कि मच्छर मार रहे हो, जो काम आता नहीं वो मत करो भाई। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? चुप, मैं आपके पीछे पीछे ही ताल दे रहा हूँ ना। अबे गधे, पीछे पीछे नहीं, साथ साथ ताल दो, समझ गए? सुर माता है और ताल पिता है, और जो बेताला वो अनाथ है। घंटी बजी, दरवाजा उधर है, गाँव भेजू का? मैं भूल गया। किससे मिलना है? मालकिन। आप कौन बहन जी? मैं हूँ। मैं कौन बहन जी? आप राधे श्याम तिवारी। चुप, ये मैं कौन बहन जी? मैं मिसेस अंजलि तिवारी। चलो अच्छा है, नाम तो नहीं बदला है। भाई साहब, मैंने अंजलि बहन को वाइल्ड फॉरेस्ट का मेंबर बनाया है। जंगल में? नहीं भाई साहब, वो तो क्लब है, सोशल क्लब। अरे बाबा, जब यहाँ आई गए हैं तो यहाँ के तौर तरीके भी सीखने चाहिए ना। यहाँ की औरतें किचन की छिपकली बनकर बैठी नहीं रहती, बहुत सारे सोशल काम भी करती हैं। हाँ। और कमाल की बात तो ये है भाई साहब कि वहाँ सबके सब अंजलि बहन को पहले से ही पहचानते थे। अच्छा? जैसे हम क्लब में गए, सब लोग हाथ मिलाते हुए कहने लगे, वेलकम मिसेस तिवारी, वेलकम मिसेस तिवारी। और तब मुझे एहसास हुआ कि हमारा कारोबार कितना बड़ा है, और तो और उसने भी मुझे पहचाना और मुझसे हाथ मिलाया। भाई वाह, कौन था वो बदनसीब? शाहरुख। किसकी भूख? शाहरुख खान, फिल्म स्टार। वहाँ पे तो सब फिल्म स्टार आते हैं। देखिए जी, अब ना हमें स्टाइल से रहना होगा। मुझसे स्टाइल विस्टाइल नहीं होगी। मालकिन, चमगादड़ को जंगल से महल में भी लाया तो भी वो सोएगा छत के ऊपर उल्टा लटक के। पांडु, तुम्हारे अगले महीने की तनख्वाह कट। मालिक, ऐसी कहावत है। कहावत तो यह है कि कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले, बगुला नहीं बनता। हाँ ये भी है, मालिक सही कहते हैं। रेणुका, मैं नहा के तैयार हो जाती हूँ, फिर हमें डांस क्लास में तो जाना है। डांस क्लास? और इस उम्र में? अरे कत्थक करने जाओगी, कमर लचक जाएगी, रहने दो। कत्थक नहीं, वो दूसरा वाला, अंग्रेजी ऐसा। हाँ। झाड़ू पोछा करने का नया स्टाइल है ये। देखा है? कुछ अच्छा करने जाऊंगी ना, लड़ाई शुरू कर देंगे बस। शादी और युद्ध में सिर्फ एक ही फर्क होता है। क्या? शादी में आप अपने दुश्मन के साथ रात को सो सकते हैं, बस। अंजलि देवी, अरे रहम करो, रहम करो। तो क्या हो रहा है? अरे इंग्लिश में डांस हो रहा है। इस उम्र में उछल कूद करोगे, कुछ हो गया तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी नहीं, ये टाइल्स की बात कर रहा हूँ। अरे चुप रहो जी, यहाँ हाई सोसाइटी की औरतें रोज डांस करती है अपने बदन को कसने के लिए। मैं तो कहती हूँ आप भी डांस किया करो। मैं? हाँ, देखो हम मुंबई में रहते हैं, यहाँ का स्टाइल तो सीखना चाहिए ना। अपने मैनेजर और ऑफिसर को देखो, कैसे स्टाइल से रहते हैं। आप उनके मालिक होते हुए आधे नंगे घूमते हो, शर्म नहीं आती? देखो, बदन ढकने के लिए जितना कपड़ा होना चाहिए वो सब मैं पहन लेता हूँ। बदन देखा है अपना, एकदम ढीला डाला। रोज सुबह शाम वॉक पे जाया करो, हो सके तो रोब झाड़ने के लिए कुत्ता भी खरीद लो।
तो तुम चलो ना साथ। तुम तो मेरी कोई बात सीरियसली लेते ही नहीं हो। देखो जी, गांव में मैंने भैंस गाय और गोबर के साथ अपने बहुत साल बर्बाद कर लिए, अब ये सब मैं नहीं सह सकती। अब देखना अंजलि देवी क्या क्या करती। वो तो देखा ही रहा हूँ, विलायती टट्टू पे जो सवार हुई हो, शुरू तो हो गई हो, अब पता नहीं कहाँ जाके रुकोगी। अरे ये राधेश्याम तिवारी तेरे गांव की है ना? कौन? वो अंजलि इंडस्ट्रीज वाले? हाँ मेरे गांव के हैं। हाँ वही, सुना है मैंने कि वो आजकल यहीं आकर रहने लगे। तू एक काम कर, तू जाकर राधेश्याम जी से बात कर, वो और तू एक ही गांव के हैं। मेरे ख्याल से सेंटीमेंट में आकर वो तुझे कोई ना कोई जॉब तो दे ही देंगे। रियली? कोशिश करके देखते हैं, और कुछ नहीं तो तेरा और उनकी कंपनी का नाम भी एक है, हो सकता है इसी बात पे खुश होकर वो तुझे कोई नौकरी दे दे। तीसरी बार साला रुक गया गाते गाते, ये तीसरी बार साला बीच में से बंद हो गया। पुरानी वाली बहुत अच्छी थी, फिर भी तुमने नई खरीदी। तुम भी तो बदल गई हो, तो सीडी प्लेयर क्यों नहीं? अरे इस हिसाब से नहीं मिलेगी तो पुरानी समझकर मुझे भी फेंक दोगे क्या? जरूरत पड़े तो वो भी कर दूंगा मैं। अरे नई वाली लाकर तो देखो, मैं भी दिखा दूंगी। दो बच्चों की माँ हूँ, फिर भी लोग कहते कि मैं तुम्हारी बेटी लगती हूँ। शुक्र करो ये नहीं पूछते मैं तुम्हारा दादा हूँ का। अरे मजाक छोड़ो, नई वाली लाकर तो देखो, तुम्हारे सीडी प्लेयर जैसी हो जाएगी, चलते चलते छम। अरे मोरी गंगा मैया, ये दुकान का नंबर का है? वीडियो कौन? राधे श्याम। जय सियाराम। भाई जय सियाराम, राधे श्याम तिवारी स्पीकिंग। ओ गुड मॉर्निंग सर। ये क्या तुमने ठुमरी के नाम पे कव्वाली भेजी है भाई? एक दिन हुआ नहीं कि इसकी तबीयत पतली हो गई, कभी सरदर्द हो जाता है, कभी जुलाब हो जाता है। फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाइए सर, क्योंकि ये वीडियो कॉन गैलरी है। अरे मैं वो सीडी प्लेयर की बात कर, हाँ वही आफत जो आपने कल हमारे यहाँ भेजी थी। ओह आई एम सॉरी। अभी ये सॉरी की मुरलिया मत बजाओ, अभी का अभी ये कचरा बोरी में डालो और यहाँ से चलते बनो, और कोई अच्छी नई वाली भेज दो भाई। नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी सर, मैं अभी खुद आके चेक कर लेता हूँ। अंजलि। हाँ हाँ अंजलि, क्या काम है तुमको? जी मुझे राधेश्याम जी से मिलना है। क्यों, किस खुशी में? नौकरी के लिए। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, उन्हें नौकरी वोकरी की कोई जरूरत नहीं है। जी नहीं नहीं, एक्चुअली नौकरी मुझे चाहिए। ये देखिए ना मेरे सर्टिफिकेट। ठीक है साहब, अभी बहुत बिजी, बाद में आना। देखिए बोला ना, गो। पर आई थिंक मैं थोड़ा वेट करती हूँ, राधेश्याम जी से मिलूंगी तो शायद मेरा काम हो जाए। हेलो, तिवारी की बेटी होगी शायद। सीडी प्लेयर मालूम है कहाँ है? व्हाट? रिपेयर करने आया हूँ। मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ, मेरी अपनी दुकान है, चेक करने आया हूँ। शायद अंदर होगा। तेवर तो देखो रही जादी के। ओ बावरे नैन, इधर इधर सर। जितेंद्र फ्रॉम वीडियोकॉन बाजार। उधर उधर उधर, आइए बाजार उचित यहाँ पे मरी पड़ी है, इसकी अर्थी उठा के ले जाइए ले जाइए। जी जी अभी देखता हूँ, दो मिनट। अरे कोई देखने की जरूरत नहीं भाई, मैंने कहा ना उसकी सांस अटक गई है, ले जाइए। जी दो मिनट चेक करता हूँ। अरे कोई चेक करे, उधर हाथ मत लगाओ। सर कोई माइनर प्रॉब्लम होगी, मुझे चेक तो कर लेने दीजिए। आप ये डिब्बा उठाइए और यहाँ से अभी कभी ना दिन दिन ना हो जाइए। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपने आदमी को भेजकर पूरा रिप्लेस कर देता हूँ। ओके ओके थैंक यू, सी यू। आई सेड सी यू।
नहीं, हमको तो पैसा ही वापस चाहिए। अरे हमको रिप्लेस नहीं करना है, हमें पैसे वापस चाहिए। लो चला गया, ये साले शहर के आदमियों पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए, कमबख्त। नमस्ते। नमस्ते, तुम? जी, आपसे मिलना था, लेकिन मैडम ने कहा कि आप बहुत बिजी हैं। वो तो झूठ बोलते, मैं तो फ्री रहता हूँ, बताइए ना क्या था। दरअसल मैं नौकरी की तलाश में आई हूँ, ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। हाँ? अरे वाह, एमए किया है, बीए भी किया है। जी। संगीत विशारद भी हो, भाई वाह। एसएससी नहीं किया है? जी हाँ, किया है ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, दीजिए ना। तो बताओ कैसी नौकरी चाहिए तुम्हें? जी कोई भी चलेगी। अच्छा? हाँ। फिलहाल तो ये सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली है, उसके लिए एमए बीए फर्स्ट क्लास तो नहीं चाहिए ना। दीजिए ना, दीजिए ना। दीजिए, दीजिए। वैसे तो घर में सिर्फ मैं अकेला हूँ। ए लड़की, तू अभी तक गई नहीं? वो तो ऐसा ही बात है। तुम चुप रहो। जी, वो सर के सर तो बिना सर पैर के कुछ भी बातें करते रहे। क्या बात? तुम जाओ यहाँ से। जी मैडम। तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। क्या कर रही हो? ये घर आए मेहमान से ऐसे बातें करती हो? बालों के साथ साथ अपनी तमीज भी कटवा दिया है? बालों के हिसाब से तो अभी भी मुझ में ज्यादा तमीज है तुमसे। बेचारी लड़की, कहां बेचारी लड़की है तो अपनी आधी जायदाद उसके नाम पे कर दो ना। हाँ तो कर दूंगा, तुमसे पूछने नहीं आऊंगा मैं। हाँ हाँ, मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ आपकी नीयत को, लेकिन मैं भी पांडे खानदान से हूँ। अपने मायके से 3 अंबेसडर गाड़ी की डिक्कियां भर भर के सोना लाई थी, सूद समेत वापिस कर दो, फिर जो मन में आए करो। और वैसे भी तुम्हारे 1500 बारातियों को खाना खिलाकर साथ फेरे लेकर तुम्हारी पत्नी बनी हूँ। राम राम, ये पत्नी है कि पनौती है? गई, ये भगा दिया कमबख्त ने। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। अरे आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैंने राधेश्याम जी को बोला था कि आप एक फोन कर लेना, मैं सीडी प्लेयर बदल दूंगा। जी मैं तो यहाँ नौकरी के लिए आई थी, वो टाइम्स में आपने ऐड दिया था ना। मतलब? सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। मुझे ये नौकरी चाहिए। नौकरी? ये क्या कह रही हैं आप? देखिए मुझे बहुत जरूरत है। राधेश्याम तिवारी की बेटी को नौकरी करने की क्या जरूरत है? हा? आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। ओके ओके, समझ गया। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी अपनी एक पहचान है, यही कहना चाहते हैं ना आप? आई लाइक दैट। नो, आई लाइक दैट, आई अप्रिशिएट दैट। बहुत अच्छी बात है, मैंने देखा है आजकल की सभी लड़कियों का यही टेम्परमेंट है। बाप अरबपति हो लेकिन अपने आप कुछ कर दिखाने के लिए पिज्जा हट, कैफेज में यहाँ वहाँ जॉब्स करती हैं। आई लाइक दैट, आई अप्रिशिएट दैट। देखो आपको नौकरी चाहिए, मैं आपको नौकरी दे दूंगा, लेकिन मैं आपको क्या दे पाऊंगा? मतलब 5000 रुपये आपके लिए क्या है? 5000? कम है, आई नो, लेकिन मेरी दुकान भी। ओह माय गॉड, मैंने आपको बैठने के लिए भी नहीं बोला। आप प्लीज ऑफिस में आइए, आइए प्लीज, प्लीज कम, प्लीज आइए, आइए। तू सच बोली तो हाथ आया एक आखिरी मौका भी गवा देगी। जी मुझे 5000 मंजूर है। ग्रेट ग्रेट। आपका नाम? अंजलि। अंजलि, हाँ, पिताजी ने सारा बिजनेस अपनी बेटी के नाम पर रखा है। अंजलि टेक्सटाइल्स, अंजलि केमिकल्स, अंजलि इंडस्ट्रीज। गुड नेम। थैंक यू सर। जीतू, आप मुझे जीतू कहिए। लेकिन नहीं नहीं, देखो हम दोनों का रिश्ता दोस्ती का होगा। ओके ओके सर। जीतू। जीतू। सो स्वीट। पांडु जल क्रीड़ा बंद करो और काम करो। जी ये देखिए हमारा नया पपी। अरे वाह, कहाँ जा रहे हो हिप्पोपोटामस के साथ? ये हिप्पोपोटामस नहीं, मेरा कुत्ता है। अरे मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहा है हिप्पोपोटामस के साथ? चुप रहो, पत्नी हूँ इसलिए कुछ भी मत पको। जब देखो मोर की तरह अपनी कला दिखाते रहते हो, लेकिन ये जान लो मोर जब अपने पंख उठाते है ना तो असल में वो नंगा हो रहा होता है, समझे? चल कुत्ते, पूरी बत्ती से दिखा के हंसियो, हंसियो ठनठना के हंसियो। क्या क्या होता है इस घर में? क्या आप यहाँ?
अनिल अभी तक आया नहीं? वो लॉज लंदन से एक हफ्ते बाद ही आ जाएगा, आप एक हफ्ते बाद आइए। ओए तो तिवारी साहब से मिल लेते हैं, अब तो हम समधी होने वाले हैं, एक ना एक दिन तो मिलना ही है ना। इस वक्त वो घर पे नहीं है। कहाँ गए हैं? मार्केट। वो और मार्केट? मार्केट नहीं मंदिर, वो नमाज पढ़ने गए ना। मंदिर में नमाज? नमाज नहीं, नाम जपने गए हैं। ठीक है, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। कोई फायदा नहीं है ना, नाम जपने के बाद वो नहाने वाले हैं। नहाने के लिए तो घर आएंगे ना। हाँ, नहीं मंदिर में ही नहाएंगे, मन्नत मांगी है ना। मन्नत? हाँ, मन्नत मांगी है, उधर बहुत बड़ा कुआं है ना। कुएं में डूब तो नहीं जाएंगे? नहीं। घर तो आएंगे ना। लेकिन कल मैं कल आता हूँ। पक्का आएंगे ना? लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? खुशी के आंसू है, आपके और उनके बीच में प्यार बढ़ने वाला है ना। मैं कल आऊंगा। थूकने का दूसरा कोई टाइम नहीं मिला क्या? पांडू तू यहां से सटक ले, यहां रहेगा तो तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। बाबा का? बाबा का? मर गया। अरे राम 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 राम। अभी एक गांव से एक आदमी आया था बताने, मालिक अब मुझे 5,000 रुपए दे सकते हैं क्या? मैं काम करके चुका दूंगा। हाँ हाँ, तो फिकर मत कर, मैं तुझे पैसे देता हूँ। फटाफट गाड़ी पकड़ो और गांव चले जाओ, वरना मुसीबत आ जाएगी। जा। मुसीबत तो मेरे गांव जाने के बाद भी आने वाली है। गणपति पापा, ये मत समझना कि मैं मस्का लगा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये काम तुम ही कर सकते हो। वो लड़की है ना अंजलि, पटा दो ना मेरे लिए। अरे तिवारी की इकलौती बेटी है, पट जाएगी तो लॉटरी लग जाएगी। थैंक यू। जीतू। हाँ। होटल न्यू होराइजन का ऑर्डर है, उन्हें वीडियोकॉन के 50 टीवी सेट्स चाहिए। गुड, लेकिन अभी 6 बज गया, चलो मैं आपको घर छोड़ता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। अरे मेरे पास गाड़ी है, बस में क्यों जाएंगी? चलो चलो। नहीं वो। अरे चलो चलो चलो, क्या सोच रहे हो? बाय बाय बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। जब तक तुम अंदर नहीं जाती मैं कैसे जा सकता हूँ? वो क्यों? तब तक मैं तुम्हें देख सकता हूँ ना। बाय 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 बाय। कोक देना और चिप्स। यस मनी। अरे पिक्चर शुरू हुई, कम। थैंक यू। सब पिक्चर वहां चल रही है यानी। हम नहीं तेरे दुश्मनों में, हम नहीं तेरे दुश्मनों में, क्यों हमको दीवाना बनाया बनाया, क्यों हमको दीवाना बनाया। हम तो है तेरे दोस्तों में, हम तो हैं तेरे दोस्तों में।
कहीं एक दिन यूं यक बहक मिल गए थे, इश्क के प्यार के मस्ताने गुल खिल गए थे। फासले मिट गए, नजदीक आने लगे हम, बेखुदी यूं बढ़ी, सांसों पे छाने लगे हम। हम नहीं तेरे कातिलों में, हम नहीं तेरे कातिलों में, क्यों जुल्फों में हमको फंसाया फंसाया, क्यों जुल्फों में हमको फंसाया। हम तो हैं तेरे दोस्तों में, हम तो हैं तेरे दोस्तों में, क्यों तूने मेरा दिल चुराया चुराया, क्यों तूने मेरा दिल चुराया। आशिकी में सोचता हूँ सनम, इकरार कैसे करूँ मैं, प्यार के दर्द का इजहार कैसे करूँ मैं। हम तो हैं तेरी धड़कनों में, हम तो हैं तेरी धड़कनों में, क्यों दर्द जिगर को बढ़ाया बढ़ाया, क्यों दर्द जिगर को बढ़ाया। लड़की से चिपके बगैर नहीं बैठ सकते क्या? क्या चिपके बगैर नहीं बैठ सकते क्या? लड़की से तेरी बहन लगती है क्या? मेरी बीवी लगती है। क्या कर लेगा तू? हाँ क्या कर लेगा तू? काहे की बीवी बच्चों? तेरी दाढ़ी से लगता है कि पिछले 7-8 जनों से एक बार भी शादी नहीं हुई है। अबे गंजू, तू है कौन? कौन है रे तू? कौन है तू? मैं कौन हूँ वो पूछ रहा, तू कौन है? अरे मुझे छोड़, तू कौन है पहले बोल ना। अरे तू बोल। अरे तू है कौन? मैंने पूछा तू है कौन, मैंने पूछा तू कौन है। अरे तुम दोनों जो भी हो, मैं टिकट का खर्चा करके एसी में सोने आया हूँ, पिक्चर देख लूंगा। नहीं तुमको झगड़ना है तो बाहर जाके झगड़ो ना। रामपुरी कहाँ मिलेगा? वो रामपुरी तो मालूम नहीं, लेकिन भेलपुरी पानीपुरी वहाँ सामने मिलता है। अबे मैं रामपुरी चाकू की बात कर रहा हूँ, कहाँ मिलेगा? नहीं नहीं बॉस, ऐसा गजब मत करना। मैंने तय कर लिया है, अगर वो अंजलि के साथ दिखा तो मैं उसकी जान ले लूंगा, या तो वो रहेगा या मैं। मास्टर मास्टर, वो उसका बॉस है, वो लड़की सिर्फ उसकी इज्जत करती है, प्यार व्यार नहीं। तुझे कैसे पता? मैं उन दोनों को रोज देखता हूँ रेस्टोरेंट में। कौन सा रेस्टोरेंट? तो बच गया,
गलती से भी तुम्हारी तरफ देखा ना तो वापस अपने हाथ पे चल के जाएगा वो। जानता नहीं है जीतू साई फ्रॉम वीडियोकॉन क्या चीज है। अब छोड़ो भी, तुम फिर से शुरू हो गए। नहीं अंजलि, कोई तुम्हें छेड़े में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मार डालूंगा साले को। किल हिम। देखो जीतू, लेट्स गो। क्यों, क्या हुआ? प्लीज जीतू, जीतू लेट्स 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 गो ना, लेट्स गो प्लीज। हाँ प्लीज जीतू, जीतू प्लीज। क्या है, क्या है, क्या है तेरे को? तेरे को क्या है? तेरे को क्या है बोलना। अरे तू बोलना, तेरे को क्या है? यहाँ क्यों आया? चल क्या है तेरे को? क्या चल क्या है? भाग के जाएगा तू, और हमारे पीछे क्यों आया? क्यों, तू यहाँ का मालिक है क्या? हाँ मेरा बाप का जगह, बोल। तो मेरा भी दादा का जगह है, क्या कर लेगा बोल। बहुत गर्मी है क्या तेरे को? बहुत चर्बी है क्या? दिखाऊं क्या? मैं दिखाऊं? दिखा। अबे चल तू दिखा, तू दिखा चल। अबे हाथ लगा के दिखा ना। अबे तू हाथ लगा के देखना। मेरे डायलॉग मत मार, सुन। तू भी मेरा डायलॉग मत मार, समझा? अरे चल ना अभी यहां से। तू भी चल यहां से। अरे चले जा, बोला ना। मैं दिखाऊं क्या? दिखा ना। देख मैं दिखा दूंगा। दिखा ना। अरे मैं दिखा दूंगा तेरे को। बोलता क्या, हाथ लगा के दिखा ना। अरे क्या है, मर देखे क्या है तू साला? क्या चल, तू दिखा, तू दिखा ना। मैं दिखाऊं क्या? दिखा ना। मैं दिखाऊं क्या? अरे दिखा ना, बोलता क्यों है? अरे दिखा दूंगा मैं तेरे को। अरे साला कायर, हिम्मत नहीं। अरे सिर्फ बातों के शेर हैं, एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाते। जानता नहीं कि मैं कौन हूं। अरे कौन है तू? अरे बहुत देखे तेरे जैसे। अरे चल निकल, चल निकल। अरे जा ना, बाहर जा। अरे जा ना, तू बाहर बच्चा है तो यहां आके बात कर, यहां। हां चल ना। अरे बहुत देखे तेरे जैसे। हां क्या आ गया, बोल क्या है? क्या है तेरे को? अरे तेरे को क्या? अरे तू बोल ना तेरे को क्या? हिम्मत है साला, तू बोल ना। इसलिए जा रहा हूं, नहीं तो छोड़ दे जा यार। चल ना अब यार। अरे चल ना, भाग जा तू प्लीज। हां ए थोड़ी लगा, मैं डरता हूं तेरे से। बाय बाय बाय। भगवान, फाड़ फाड़ के रो रही हो भाई, क्या हुआ? पूछते हो क्या हुआ? कैसी गेंडे जैसी चमड़ी है तुम्हारी? जी जी जी। अरे इतनी गिनौनी हरकत करने के बाद भी मेरे सामने सीना तान कर खड़े हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मैं को नई नवेली दुल्हन हूँ जो बिना वजह शर्माऊं? साफ साफ बोलो क्या हुआ है। अच्छा तो मेरे मुँह से सुनना चाहते हो? हाँ तो यहाँ दूसरा कोई है? ऐसे संस्कार नहीं है मेरे जो ऐसी गिनौनी बातें मैं अपने मुँह से कहूँ। मैं पांडे खानदान की हूँ। रोती रहो, रोती रहो। आप और वो लड़की झाड़ियों के पीछे क्या कर रहे थे? लड़के? अरे मैं तो छड़ी ढूंढ रहा था, लड़की कहे की? धोती के बगैर? अरे ये शक्ल तो इतनी मासूम बनाई है, जैसे ठंडा पानी में भूक भूक कर पीते हो। बताओ कौन है वो लड़की? मैं तुम्हारी तरह चश्मिश नहीं हूँ। बताओ ये लुका छिपी का खेल कितने दिनों से चल रहा है? मुझे देखते ही लड़की को भगा देते हो।
गंदी बात तुम सोच भी कैसे सकती हो? तुम कर तो मजे से सकते हो, लेकिन मैं बोल भी नहीं सकती। अरे हमने कुछ नहीं किया, और अगर किया भी है तो बहुत अच्छा किया। देखिए, आप मुझे खरीद कर नहीं लाए हैं, जो मैं आपकी रंगरलिया देखूं। तो निकलो अभी का अभी, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ चली जाऊंगी, पहले जो मैं अपने मायके से तीन अंबेसडर गाड़ियों की डिक्की में सोना भर भर कर लाई हूँ, सूद समेत वापस कर दो, फिर यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन तब तक तुम्हारी ये रासलीला नहीं चलने दोगी। क्या बात है मास्टर, उस लड़की ने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया क्या? एक बात तो साफ है बोलो, कि लड़की सिर्फ अपने बॉस से प्यार करती है, मुझ जैसे दीवाने से नहीं। चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। अरे बॉस आप खाली फोकट दिल छोटा कर रहे ले हो, मैं जानता हूँ वो आप ही से प्यार करती है, पर बताती नहीं, वो जला रही लिया आपको। ये कैसा प्यार है? अरे ये प्यार मोहब्बत का नाटक वही चेना, वो आग बीक के दरिये वरिये में सला डूब बीप के जाने का। आप एक काम करो, किसी और से प्यार कर लो। मार के तेरा दांत तोड़ दूं क्या? अरे आप बिना सुने ही घोड़ा दबा देते हो। आप किसी और से प्यार करने का नाटक करो, फिर देखो आज जिस तरह आप जल रहे हो ना, अगर वो आपसे असली प्यार करती होंगी तो वो भी जलेंगी, देखना कैसे भाग के आएंगी। लिख के ले लो। मर गई। जीतू क्या हुआ? वो बाहर मेरी माँ आई है, उन्होंने मुझे देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। मैं कंप्यूटर क्लासेस का बहाना करके निकली हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मम्मी डैडी को नहीं बताया कि मैं यहाँ पे नौकरी कर रही हूँ, उन्होंने मुझे देख लिया ना तो। समझ गया। तुम इधर ही रहो, मैं उन्हें संभालूंगा। नमस्ते जी, वेलकम। हा? वेलकम जी, वेलकम। मेंशन नॉट। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। मेरी साड़ी नहीं है। अच्छा। मेरे जूते भी नहीं है। बताइए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे ना अच्छे अच्छे गाने के रिकॉर्ड दीजिए। Sure. डांस वाले। Of course, क्या चाहिए आपको? एल्विस प्रेसली, माइकल जैक्सन, ब्रिटनी स्पीयर्स। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ अंग्रेजी गाने चाहिए, बचपन से आदत पड़ चुकी है ना। ऑफ कोर्स, मैं एक काम करता हूँ, कुछ अच्छे सीडीज इकट्ठे करके आपके घर पर भेजता हूँ। आपको हमारे एड्रेस का पता तो पता है ना? आपका घर कौन नहीं जानता, तो यहाँ से भिजवा दीजिएगा, भूलिएगा। 100%, डोंट वरी। Mention not. गई क्या? ओ, चली गई। ओ, बच गई। जीतू, आज मुझे जरा जल्दी जाना है। क्यों? वो कल मेरा बर्थडे है। रियली? अपने बॉस को पार्टी में नहीं बुलाओगी? नहीं नहीं, कोई पार्टी नहीं है, दरअसल मुझे थोड़ा शॉपिंग करने जाना है। चलो मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, मेरी सहेली आने वाली है ना। अच्छा, ओके, हैव फन। तुम मुझे अपने बर्थडे में शामिल नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तुम्हें एक सरप्राइज जरूर दूंगा। प्रिया 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 प्यारी, तुमसे पहली नजर मिलते ही मैं पागल हो गया। मैं जानता हूं कि हमारे रास्ते में पहाड़ों जैसी कई मुश्किलें हैं, लेकिन नदी और सागर भी तो आखिर पहाड़ चीर के मिल ही जाते हैं। वैसे एक ना एक दिन हमारा भी मिलन होगा। तुम मेरी जिंदगी हो, मुझे प्राणों से प्यारी हो, मेरे दिल को दुलारी हो। जली तो फंसी, फंसी तो पटी। तुमने लिखा है? हाँ, लेकिन मैं ये बस शैतान। जी मैं बर्थडे गर्ल को विश करने आया हूँ। थैंक यू। कितने ब्यूटीफुल है, आपको किसने बताया कि बर्थडे है?
आप हमारे बहुत स्पेशल कस्टमर हैं, हम भी आपके सब रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन आपके रिकॉर्ड में भी एक गलती है जी। अच्छा, बर्थडे आज नहीं कल है। लेकिन मुझे तो बताया गया कि आज है। किसने बताया? ऐसा सुना मैंने। ठीक है ठीक है, जैसे आज आप आए हैं ना जी, वैसे कल भी आ जाइएगा। देखिए आइएगा जरूर, पहले फूल आप ही की तरफ से आए हैं ना। नहीं नहीं जरूर, थैंक यू। ओके बाय 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 बाय। गुलाब लाया? अरे फुलवा में चिट्ठी, मेरी प्यारी अंजलि, ये फूल मेरे प्यार की निशानी है, हैप्पी बर्थडे। आज फूल आए हैं, कल भंवरा आएगा और सबसे पहले मालिक को काटेगा। हाय जीतू, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ, कैसा लगा? क्या बुके? मेरा बुके? अरे मैंने तुम्हारी मामी के हाथ में दिया था, उन्होंने तुम्हें दिया नहीं? अच्छा वो बहुत अच्छा लगा। और वो जो छोटी सी चिट्ठी लिखी थी उसके साथ वो पढ़ी? चिट्ठी? हाँ पढ़ी। क्या लिखा था उसमें? उसमें तुम खुद नहीं जानते। नहीं मेरा मतलब आपको अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने जो भी लिखा उसे तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? एतराज? नहीं, एतराज की क्या बात है? फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? कि कल तुम्हारा बर्थडे था। जीतू दरअसल क्योंकि तुम मुझे पार्टी में नहीं बुलाना चाहती थी। ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल कोई पार्टी थी ही नहीं। जानता हूँ जानता हूँ, क्योंकि पार्टी कल है और तुम्हारा बर्थडे भी, मामी ने मुझे इनवाइट भी किया है। ओह तो तुम कल आ रहे हो? नहीं, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं आता। नहीं नहीं जरूर आना, क्यों नहीं आओगे? कितने बजे बुलाया है? मामी ने 7 बजे बोला था। अच्छा तुम एक काम करना, 9 बजे आना। हाँ क्यों? वो पार्टी का टाइम है ना, थोड़ा चेंज हो गया है। ओके 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 ग्रेट, ठीक 9 बजे पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ हाँ ठीक है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Thank God, जीतू केक कटने के पहले आता तो सारा भांडा फूट जाता। अंजलि? हाँ? हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? वो दरअसल मैं अपने फ्रेंड्स के लिए वेट कर रही हूँ, उनके पास एड्रेस नहीं है ना। तुम एक काम करो, अंदर जाकर पार्टी एंजॉय करो, जैसे ही वो आ जाते हैं मैं उनके साथ अंदर आ जाती हूँ। ओके? Are you sure? हाँ मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ओके 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 ऊपर कर। कौन गाने वाला है? शान और साधना सर का। ये तो वही लड़का है। डैड मर गया, मुझे देखकर छिप रहा है। मेरा शक सही निकला, इस लड़के का अंजलि के साथ जरूर कोई चक्कर है। हे 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 ला 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 ला, हे 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 आहा। को मिला मुझे दीवानगी मिली, हो शाप को मिला मुझे तो बेखुदी मिली, फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल। चैन आपको मिला मुझे दीवानगी मिली, हो
को मिला मुझे दीवानगी मिली। मनाऊं तो इस मैं कैसे, ये दिल दीवाना है न माने। बताऊं तो भला मैं कैसे, ये इश्क क्या है ये न जाने। शैदाई मैं तेरा हुआ, तुझको नहीं है ये पता। मिला मुझे दीवानगी मिली। मुझे तो बेबसी मिली। आहा हो शाप को मिला मुझे तो बेखुदी मिली। फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल। शाप को मिला मुझे तो बेखुदी मिली। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने उस लौंडे को पार्टी में भी बुला लिया। तुमने भी तो बुलाया था उस चुड़ैल को। कौन चुड़ैल? वही जिस पे तुम्हारी नजरें चिपकी हुई थी पार्टी में। अरे भाई वाह, ये तो बकरी के भेष में लोमड़ी बोल रही है। और नाचते नाचते तुम्हारे पांव कहाँ पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा कर लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? बताओ कौन है वो लड़की? मैंने तुम्हारा झाड़ियों वाला किस्सा पकड़ लिया तो मुझ पर कीचड़ उछाल कर अपने आप को बचाना चाहते हो? कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी ये तरकीब चलने नहीं दूंगी। बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो ठीक है, तीन नंबर गाड़ी की डिक्कियों में सोना भर भर के लाई थी, सो समेत वापस कर दो। मायके चली जाऊंगी। मायके चली जाऊंगी? और ये जो महंगी महंगी साड़ियाँ जो तुम्हारी इस गोल घूमड़ जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा? अच्छा, जो दिन भर तुम्हें पका पका के परोस परोस के खिलाए मिल जाना समझ लेना। थू थू, गैरों के साथ रंगरलिया मनाती हो और मुझ पर चढ़ती हो। थू, हिसाब बराबर हुआ ना? अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तुम करोगी? हाँ मैं करूँगी। तुम करोगी? हाँ करूँगी। तो मैं भी करूँगा। अरे तो करो ना, किसने मना किया है? लेकिन आज से मेरे मामले में दखल मत देना। तुम भी मेरे मामले में दखल मत देना। अरे नहीं दूंगी। नमस्ते।
नमस्ते, मैं तेजा भाई। आइए आइए। थैंक यू। जी हमने आपको पहचाना नहीं भाई। मैं आपका समधी। समधी मतलब? देखिए मैं गोलमोल बात करके आपको गोलमोल नहीं घुमाऊंगा। हाँ हाँ। मैं सीधी बात करता हूँ, सुनकर अपना बीपी मत बढ़ाना। हम वही कहते हैं कि हरकत मुर्की छोड़ के सीधे सम पे आ जाइए। बताइए। मेरी बेटी ने आपके बेटे के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। का? नमस्ते। एक मिनट। आपकी बेटी ने हमारे बेटे के साथ शादी करने का फैसला किया है, बराबर? बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं? आप बाप ठहरे अपनी बेटी के, उसको समझाइए कि फैसला बदल दे। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। उन दोनों ने आपस में मिलकर ये फैसला किया है, मंगनी भी कर ली है, दोनों ने अंगूठी भी बदल दी है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? वो हमारा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा बेटा यहाँ है ही नहीं। मालूम है आपका बेटा यहाँ नहीं, लंदन में है। हाँ। लेकिन वो यहाँ पर आया था। फिर गया कब? मंगनी करके वापस चला गया। क्यों? बिजनेस के सिलसिले में। हमने हमारे बेटे को पढ़ाई के लिए लंदन भेजा है, बिजनेस के लिए नहीं। देखिए देखिए भाई साहब, जो होना था सो हो गया, अब इस मसले को हम ढंग से शांति से सुलझाते हैं। नहीं सुलझेगा तेजा भाई, मेरा बेटा वही शादी करेगा जहाँ पे मैं चाहता हूँ। यानी कि अब तक जो कुछ हुआ वो का हुआ है? अंगूठी बदली है ना, मंगलसूत्र तो नहीं पहना है ना, अंगूठी उतार के फेंक देते हैं, किस्सा खत्म। ऐसे कैसे अंगूठी उतार देगी? मेरी बेटी को बियर की बाटली नहीं है कि जब चाहे उसका लेबल उतार दो। ज्यादा बात मत करो, तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है कि तुम्हारी बेटी कैसी होगी। मुछवा भी होगी। राधेश्याम तिवारी, तुम अगर बड़े आदमी हो गए तो अपने घर में हो गए, तुम इस तेजा भाई को नहीं जानते। खून खराबे वाले खानदान से हूँ मैं, उस बाप की औलाद हूँ जिसके छोरे में जब तक खून ना लगा हो ऐसा कोई दिन नहीं गया। पिताजी कसाई थे। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अरे बड़े बेशर्मो, अभी तक यहीं खड़े जाओ। हाँ, अभी जाता हूँ लेकिन वापस जरूर आऊंगा मैं। अरे सुनो। क्या है? अरे तुमसे नहीं भैया, मैं इनसे मुखातिब हूँ। मैं कहता हूँ कि मुन्ने को आज ही फोन करके बुला लेते हैं। हाँ बुला लो, फिर देखते हैं कि वो तुम्हारी सुनता है कि मेरी। अरे जाओ नहीं यहाँ से। हाँ जाता हूँ, चिल्लाती क्या है, इलेक्शन में खड़ी है क्या? इसने जो भी बकवास की उसमें जरा भी सच हो सकता है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो बेवकूफ तुम्हें लगता है? नहीं नहीं, एक काम करते हैं, उसको फोन करके बुला ही लेते हैं। हाँ। जरा रुकिए, मुझे सब पता चल गया है। क्या? कि तुम वारंजली वरबाईडी नहीं हो। मतलब? तुम दोनों के बीच दिन रात जो झिकझिक होती है ना, वो सब मैंने सुनी है। और ये सब जानकर मुझे कितनी खुशी मिली है कि तुम्हें क्या पता। हम लोग झगड़ा तो करते रहते हैं लेकिन हम लोग वरबाईडी ही है। सब जानती हूँ मैं। ये देखो कुमारी अंजलि, कोई शादीशुदा लड़की को कुमारी बुलाता है क्या? जब से तुमने मुझे चिट्ठी मारी है ना, मैं तभी समझ गई थी कि तुम ही मुझसे शादी करोगे और मुझे उस पोपट के पिंजरे से छुड़ाओगे। शादी? पोपट सेठ को पता चल गया तो? हार में गया वो बुढ़ा। अंजलि आ रही। अरे तुम्हारा इंतजार कर रही थी, ये चिट्ठी है तुम्हारे लिए, सोचा तुम्हारे आते ही तुम्हें दे दूँ। हाँ हाँ समझ गई। तो बात अब यहाँ तक पहुँच गई है। खैर मुझे क्या, गांव से माँ की चिट्ठी आई है, अब कल ही जमींदार का बेटा आएगा और मुझे ब्याह कर ले जाएगा, फिर हम और हमारा संसार। प्यारी बेटी अंजलि, कल की गाड़ी से राजा को भेज रही हूँ, कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाओगे। शादी तो तुम्हें आखिर उसी से करनी है। ये मत भूलना कि उस परिवार ने हमें मदद की, इसलिए हम आज जिंदा हैं। तुम अपनी माँ की बात नहीं ठुकराओगी, शादी के लिए हाँ करोगी। साथ में राजा का एक फोटो भी भेज रही हूँ, अब वो पहले जैसा नहीं रहा, काफी बदल गया है, दाढ़ी भी कटवा कर एकदम राजा जैसा लग रहा है, तुम देखती रह जाओगी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं। एक और दूसरा विलन, हे भगवान फंस गया रे। कौन है, कौन ये नया विलन?
वो जो भी हो, अगर वो आया तो वो अंजलि से शादी भी कर लेगा और मुझे घर से बाहर भी निकाल देगा। एक काम करते हैं। क्या? उसे डरा धमका कर उल्टे पांव वापस भेज देते हैं। वो कैसे? वही है। तो गुरु जाके डरा दो ना उसको। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत पब्लिक है, थोड़ी सुमसान जगह आने दे। ऐसा डराऊंगा ना कि वापस मुंबई में पाँव नहीं रखेगा वो। चल। ये क्या कर क्या रहा है? ये हो गया क्या? ये साफ कर रहा है खंबा या जूता वो पता नहीं। अरे वो चिपक गया, देखो चिपक गया। अरे शॉक लगा होगा यार। अरे जाके खींच लो उसको। पागल है क्या? तू भी चिपक जाएगा। अबे लकड़ी ढूंढ, लकड़ी एक फटका मारेगा तो छूट जाएगा। हाँ, चल, 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 चल। ए, तू हाथ पे मार, मैं पांव पे मारता हूँ। इसीलिए उन्होंने हमको मारने की कोशिश की। हाँ, मगर अपन को तू भला आदमी लगा, इसीलिए अपन तेरे को अस्पताल ले आया। वो अंजलि तुम जितना सोचता है उतनी भोली नहीं है। उसका और दूसरी पार्टी का जबरदस्त इलू इलू चल रहा है। कौन दूसरी पार्टी? अरे वही जिसने तेरे पैर की हड्डी। अरे सॉरी सॉरी, बहुत डेंजर आदमी है। नाम सुना है? छोटा चेतन। पिक्चर देखे है चश्मा लगा के। अरे वो नहीं रे, भाई लोग का दादा है, पुलिस भी कांपती है उससे। 40 खून कर चुका है, अब तक किसी के हाथ नहीं आया। हर खून के लिए एक नया छुरा हुआ पड़ता है। कल ही मैंने उसे नए छुरे के साथ देखा, शायद वो तेरे लिए। फिर अंजलि की माँ ने हमको यहाँ क्यों भेजा? तेरे को शहर बुला के मार डालने का प्लान है वो दूसरी पार्टी का। अगर तेरे मरने के बाद अंजलि उस छोटा चेतन से शादी कर लेती है तो उसके घर वालों को क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता है। मानना है तो मान, वरना तेरी लाश को तो पक्का मानना पड़ेगा। राजा है क्या इधर? अरे लगता है छोटा चेतन आ गया। सो जा, हिलना मत। राजा नाम का कोई आइटम है क्या इधर? नहीं इधर कोई नहीं। लाश कर देगा अपन उसको। अब उस इधर कहीं छुपा हुआ है साला। अपने आदमी को भेजा था, सिर्फ हाथ पैर तोड़ के आया साले का। अरे आज अपना 50वां मर्डर है, 50वां। उसके बाद बोले तो बहुत बड़ी पार्टी है मर्डर के बाद। आएगा तो खल्लास कर दूंगा, फोड़ के रख दूंगा साले को। बोलना आप ना आया था इधर। हाँ छोटा चेतन साहब। देखा कहाँ देखा? मुंह पर तो तुमने चादर डाल दी थी और तुमने झूठ का बोला। क्या झूठ बोला? तुमने बोला उसने 40 खून किए, वो तो बोला 50 खून किए। अरे तेरे को क्या करने का है, 40 किए या 50? खून उसने किए, मैंने नहीं। चल भाग यहाँ से, अभी जल्दी भाग। रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? हमें अभी भी ट्रेन पकड़ के अपने गांव जाना है। जाने से कोई फायदा नहीं है, ट्रेन की हड़ताल है। हड़ताल कब खत्म होगी पता नहीं। तो अब क्या करूं? अबे तू इधर ही किधर छुप जाना, छोटा चेतन और उसके आदमी मुंबई के कोने कोने में तुझे ढूंढेंगे। इसीलिए कहता हूँ नाम बदल के छुपना। अरे छुपूंगा कहाँ? अरे इधर ही स्टेशन के पास बहुत सारे सस्ते लॉज है, उधर ही किधर छुप जाना। जैसी हड़ताल खत्म हो पहली ट्रेन पकड़ के गांव रवाना हो जाना, वरना तेरी लाश मुझे तेरे गांव पोस्ट से भेजनी पड़ेगी। मानना है तो मान, वरना भाड़ में जा। आइए तेजा भाई, आइए। अरे मुन्ना आओ इधर, आओ एक आइटम दिखाता हूँ। आओ। ये है हमारा मुन्ना। ये? पहचाना इनको? नहीं नहीं। लो बोलो, ये तो कहते कि ये तुम्हारे ससुर हैं। हाँ पूछो इनसे, पूछो। हाँ मैंने आपकी बेटी के साथ शादी की है। नहीं। तो शादी का कोई वादा किया है? नहीं। ए, एक बात बताओ कि तुम्हारा कोई पेच ढीला है का? हाँ नहीं। तो फिर इधर आके काहे उधम मचाया कि शादी की है, मंगनी की है, काहे अल्लाह मचाया इतना? ये आपका बेटा है? ये लो। कोई शक है? नहीं मिलॉर्ड, हमें कोई शक नहीं है कि हमारा ही बेटा है। मैंने जो कहा वो ये नहीं। तो आपका दूसरा बेटा? कौन सा दूसरा बेटा? आपका बड़ा बेटा। ये लो बोलो, मुझे दूसरा बेटा भी यार हमें मालूम ही नहीं है, तेरा भाई है। अरे भाई आप बड़े आदमी हैं, आपका कारोबार बड़ा है, भूल गए होंगे, लेकिन आपका दूसरा बेटा है, यहीं रहता है, सब जानते हैं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी जानकारी के बाहर आपको एक बेटा और भी है। अरे ये झूठ बोल रहा है। वो आप ही का बेटा है, थोड़ा कलर फर्क है, वो जरा सांवला है। पहले तो मैं भी इस गोरी गोरी भाभी को देख कर चक्कर खा गया था,
लेकिन आपको देखकर तो कोई भी बोल सकता है कि वो आप ही का बेटा है। अरे नहीं, सेम आंखें, सेम नाक, सेम होंठ, सेम शक्ल, सेम। ये बकवास कर रहा है। अरे भगवान, चिल्लाओ मत। वो तुम्हारा नौकर है ना पांडू, हाँ उसको बुलाओ, उसको सब कुछ मालूम है, वो हर बात का गवाह है। कहाँ है पांडू? उसका बाप मर गया ना, गाँव गया है। मर गया कि मार दिया है? भांडा फूटने का टाइम आया तो उसको गाँव भेज दिया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये सब शादी रोकने की चाल है। बस अब ज्यादा उधम मचाया तो सीधा बददक्षी का दावा ठोक दूंगा मैं। अबे चुप, तू तिवारी नहीं बीमारी है, और तेरे जैसी बहुत बीमारियां ठीक कर चुका हूँ मैं। कोर्ट कचहरी हर रोज आना जाना लगा रहता है मेरा। मत भूल, खून खराबे के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ मैं। डराते हो क्या मुझे? हाँ डराता हूँ। तो जाओ, जो हो सकता है कर लो, जाओ। ये तो तेरे को तब पता चलेगा। कब? एक हफ्ते के अंदर अंदर। अगर तुमने शादी नहीं करवाई तब। मॉम क्या कर रही हो? प्लीज डोंट मेक अ सीन फॉर गॉड्स सेक। फर्स्ट यू टेल मी, मुझे अब यही रहना है या लंदन वापस जाना है? गॉश बेटा, तेरी फ्लाइट कितने बजे है? मॉम रात के 11 बजे। तू जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। अगर यहाँ रहेगा तो अपने बाप की संगत में तू भी बिगड़ जाएगा। ओके मॉम। डैड मैं निकलता हूँ, हाँ। अभी एयरपोर्ट जाऊंगा और वहीं से टिकट भी कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, बाय डैड। जी तारा, चलिए हम भी यहाँ से निकलते हैं। चलिए, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। बोरिया बिस्तर बांध के चलिए। मतलब है, यहाँ आने के बाद तुम्हारा असली रंग क्या है मुझे पता चला है। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो, अपनों को छोड़ के गैरों की बातों पर विश्वास करती हो तुम? पहले कोई कहता ना तो मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन अब विश्वास ना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह हो राधे श्याम। शादी से पहले तुम यहाँ रहकर तुमने रासलीला रचाई है। अब तो सारे सबूत इकट्ठे करके यहाँ से जाओगी। अरे मूछ मुंडवा दो मेरी, अगर तुम ये शहर छोड़ के गई तो। उनको देखे बिना तुम्हारा दिल जो नहीं भरता, वो सारे वीडियो कौन को? अरे मेरे सत्यवान, सारा दिन सीधी सादी गाय की तरह करके सुनते हो और सारे इल्जाम मुझ पर लगाते हो। तुम तो शैतान के नाना हो नाना। वाह, चोरी पे सीना जोरी। वाह, मैं देख चुका हूँ तुम्हारे सारे प्रायोजित कार्यक्रम। तो अच्छा है ना, आगे भी देखोगे? मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। ए भगवान, ये 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 इतने से नहीं मरेगी, अब तू ही जाके कुछ मदद कर। मैनेजर, मैनेजर कोई कमरा है? हाँ कुछ भी हो, लेकिन एक बार अंदर जाओ तो बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, और दूसरी बात उसमें नंबर एक और नंबर दो की सुविधा होनी चाहिए। ना 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 राजा, तुलसीदास खान। क्या तुलसीदास खान? ये कैसा नाम है? ये चुप साले गुंडे बदमाश। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? अरे मुमताज देवी। अबे तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद जाके भारत का नाम पैदा हुआ क्या? ये चुप साले, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। हाँ, बाप का नाम पड़ गया मेरा। दे दूंगा। और सुनिए, हमें जल्दी से एक कमरे की चाबी दे दीजिए, एक नंबर लगी है बड़ी जोर से, और कोई भी पूछे हमारे बारे में तो बिल्कुल मत बताना कि हम यहाँ रहते हैं। दो कप के पैसे दे जा ना। अरे दो कप थोड़ा उसके पैसे दे। नहीं देंगे, क्या कर लेगा? नहीं 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 देंगे हम। लाइए छाता। अरे मेरे छाता। हम लाते हैं? कोई जरूरत नहीं है बाबू, बिस्लेरी नाम है मेरा। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? कूट चाला। हाँ ये किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, सब वो झूठा चेतन के आदमी लगते हैं। हमको मारने की फिराक में है। अंजलि, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? प्रिया, मैं इस जीतू का क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसको अगर सच बता दूं तो मेरी नौकरी जाएगी। देख, मेरे ऑफिस में एक वैकेंसी निकली है रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए। आई थिंक वो तुझे जरूर मिल जाएगी, क्योंकि उसके लिए जो एप्लीकेशन आई है ना, उसके हिसाब से तेरी क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा है। हाँ, बस तुझे एक महीने के लिए रुकना पड़ेगा। थैंक्स। एक महीना? लेकिन एक महीना मैं जीतू का क्या करूं? तू एक महीने तक काम पे मत जा। और अगर मुझे ढूंढता हुआ राधेश्याम जी के घर पे चला गया तो? तो क्या,
तो उसे सच का पता चल जाएगा। और वैसे भी कभी ना कभी तो उसे पता चलने ही वाला है ना। तू उसे प्यारा सा फोन करके एक महीने की छुट्टी ले ले और बोल कि तेरे पापा को शक हो गया है और वो हर जगह ड्राइवर को तेरे साथ भेजते। जब तुझे ये मेरी वाली नौकरी मिल जाएगी तब तू उसे सच बता देना। सर मैंने सब चेक किया, एकदम फर्स्ट क्लास है। तुमने ये नया सिस्टम भेजा, बाद में हमने कभी भी आपको फोन करके बताया कि आप आ जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, नहीं। नहीं ना? नहीं, नहीं। तो आपको कोई सपना गिरा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? नहीं, तो आप यहाँ पे आए क्यों? सर सिर्फ चेक करने के लिए कि सब ठीक है। वो तो हमें मालूम ही है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। इधर उधर कहाँ देख रहे हो? सर अंजलि नहीं है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है, अपनी माँ की उम्र की औरत को डायरेक्ट नाम से पुकारे। दोनों में काफी पहचान होगी। नहीं सर, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दुकान में ही मिले होंगे अच्छी तरह से? नहीं 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 सर, ज्यादातर बाहर ही मिलते हैं। तो रोमियो जूलियट बाहर भी मिलने लगे हैं, इसलिए कम बखत सज धज के जाती है। अंजलि नहीं है। सब चेक कर लिया? जी। पूरा पेमेंट हो गया? जी जी। कोई लेन देन बाकी नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर इधर उधर कहाँ देखते हो? नहीं वो पेंटिंग को देख रहा था, बहुत खूबसूरत है, काफी महंगी होगी ना? मालूम नहीं, मैं तो चोरी करके लाया था। दरवाजा उधर है। एक ग्लास पानी मिलेगा सर? तीन दिन से पानी नहीं आ रहा है, मैं भी कॉफी पी रहा हूं, वो भी एक ही कप है। और कुछ? सर मैं आऊंगा दो दिन के बाद चेक करने की, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं नहीं, जो तकलीफ देनी थी आप दे चुके, अब दोबारा के और तकलीफ मत दो। बाकी जो तकलीफ है वो हम सह लेंगे, प्लीज। अगर मैं माँ से मिलता तो शायद अंजलि से भी मिल सकता। सर वो अपनी मिसेज है? अपनी नहीं, मेरी मिसेज है वो। हमारा जॉइंट अकाउंट नहीं है, मेरी है वो। सर मेरा मतलब तो वो... नहीं तुम्हारा मतलब का हो, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। वो इस वक्त घर में नहीं है, का काम था बताइए। उनसे कहना जरूर कि मैं आया था और उनके लिए पूछा था। मैं ही कहूँ? भूलिएगा मत। नहीं नहीं, ये तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। थैंक यू। सिस्टर सिस्टर, इनको होश आ रहा है, इनके पति को बुलाइए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैर में चोट आई है और सर में चोट आई है जिसकी वजह से तुम पूरा दिन बेहोश रही, लेकिन डॉक्टर ने सारी जांच पड़ताल कर ली है, अब सब कुछ ठीक है। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे मेरा काहे का शुक्रिया, मैं तो अभी अभी आया हूँ। शुक्रिया मान अपने पति का जो पूरा दिन पूरी रात यहाँ पर बैठा रहा, तकिए के पास से हिला तक नहीं, रो रो के उसकी हालत बुरी हो गई। बस एक दो दिन में छुट्टी मिल जाएगी, ध्यान रखना हाँ अपने आप का। मैं चलता हूँ। I'm sorry अंजलि, सब मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। भाभी जी जैसी पवित्र गंगा को मैली करने वाला वो लौंडा है कौन? तुम सर, तुमने उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर इस शहर में आने के लिए मजबूर किया। अरे हम तो इस शहर में पांव तक नहीं रखने वाले थे, हम जानते हैं।
इस शहर का पानी गंदा है और यहाँ के लोग भी साले कमीने हैं। सर वह आनंदीलाल काटपेटिया के साथ जो भैया तंग आ गया हूं तुम और तुमने आ रहा हूं अब कितना बजोगे। हेलो हाय दिस इज जीतू फ्रॉम वीडियो कॉल अंजलि है। अंजलि डूब गई है समंदर में। सर आप प्लीज उनको फोन दीजिए मुझे उनसे कुछ जरूरी बात। क्या दादागिरी करते हो है? साले टूटे हुए तानपुरे मैं नहीं दूंगा फोन अंजलि को नहीं दूंगा। क्या कर लेगा तू सर लाइए मुझे दीजिए। सांड की औलाद तू धमकी किसे देता है हां मैं तुझ जैसे गंदी नाली के कीड़ों को अच्छी तरह पहचानता हूं। तेरे बाप ने उल्टे धंधे करके तुझे पैदा किया होगा। अगर तिवारी खानदान का नाम भी लिया मैं तेरे पूरे खानदान की टांग तोड़ के तेरे हाथ में रख दूंगा। सर आदमी खतरनाक लगता है भैया ये तो लगता है मारपीट करने से ही उसकी अकल। मारपीट अब इस उम्र में कहाँ पहले की बात और थी अखाड़े में दो चार को पटक भी देता था। अब तो सर मैं आपकी नहीं गुंडों की बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसे बहुत क्रिमिनल केसेस लड़े हैं मैं एक तो गुंडों को जानता भी हूँ। बस आपको सिर्फ उन्हें पैसे देकर उस कमीने का चेहरा दिखाना है बस पूरा है। और उसको ज्यादा मारना नहीं ऐसा हल्का धक्का देके छोड़ देना समझे। लेकिन अगर उसने ज्यादा शान पट्टी किया तो मैं उसकी दोनों टांगे तोड़ के आपके हाथ में दे दूंगा। नहीं 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 फिर एक टांगे एक हाथ में। नहीं 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 क्या है कि हाथ और टांग के बगैर लड़का अच्छा नहीं दिखेगा ना। उसको क्या है कि ऐसा हल्का सा चाटा मार देना बस। ठीक है वो आ रहा है हाँ मैं इस पेड़ के पीछे हूँ। हाँ चलो क्या प्रॉब्लम है भैया? बड़े घर की औरत की इज्जत से खेलता है वो भी तिवारी खानदान की। मारो साले को। अरे अरे ओए ओए हेलो हेलो कहाँ जा रहे हो? अरे इसको कौन लेके जाएगा? अरे इसको कौन उठाएगा भैया? अरे ओए भाई साहब उठ 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 तेरे भाई लोग चले गए। हेलो ओए इधर से फोन घुमाने का नहीं ये स्टाफ के लिए फोन है पब्लिक के लिए नहीं। जो आता है फोन घुमाता है। हेलो जीतू अंजलि। अंजलि तुम कहाँ हो मुझे तुमसे अभी मिलना है। नहीं नहीं मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती मैं मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने आई हूँ उनकी नजर बचा के चोरी छुपी तुम्हें फोन कर रही हूँ। अंजलि ये लुका छुपी का खेल कब तक चलेगा? 5 दिन के बाद तो तुमने फोन किया है मैं कितना परेशान था जानती हो? हाँ आज अगर तुम फोन नहीं करती तो मैं सीधा तुम्हारे घर जाने वाला था। नहीं नहीं ऐसा कभी मत करना मेरे पापा को पता चल गया तो। पता चल गया? कल उन्होंने गुंडे भेजे मुझे मारने के लिए। ओह माय गॉड। यस ओह माय गॉड। लेकिन अभी भगवान क्या करेगा जो भी करना है मुझे खुद करना पड़ेगा ना। अभी आप ही बताओ ऑफिस के बारे में अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे घर पे ही फोन करूंगा ना? तो मैंने किया। बुड्ढा साला भड़क गया मेरे ऊपर गालियां दे रहा था। एक और भी हरामी था साला अनाप शनाप बकरा था। गॉड जीतू आगे से प्लीज मेरे घर पे कभी फोन मत करना। मैं अपने फ्रेंड का नंबर देती हूँ उसका नाम है प्रिया नंबर है 633-4523 बहुत इमरजेंसी होना तो ही फोन करना। इमरजेंसी है अभी इसी वक्त। अंजलि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ जो मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या अंजलि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? तुम कुछ तो कहो। देखो मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन फिर भी मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। एक बार हाँ कह दो तुम्हारे पापा तो क्या मैं पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। जीतू मैं कैसे कहूँ? सिर्फ एक बार कह दो कि आई लव यू। अगर तुम्हारी ना है तो मैं दोबारा कभी फोन नहीं करूंगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ वो बुड्ढा आसपास है क्या? हाँ। अच्छा एक काम करो अगर तुम्हारी हाँ है तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है बस फोन कट कर देना। जीतू मैं सच कहूँ कितनी बार कहा है लोगों को इधर का फोन नहीं वापरने का। अरे तुम अपने बेड से क्यों उठा? चलो अपने बेड पे जाओ जाओ अपने बेड पे। परी
परी है एक परी, आसमां से आ गिरी, सामने मेरे खड़ी, मुझे उसे प्यार हो गया। हाँ, मुझे उसे प्यार हो गया। का दिया उस जाने मन की बस एक झलक ने पागल मुझे कर दिया। वो मेरे सांसों की रागिनी है, वो मेरे दोनों जहां, वो मांग ले जो मुझसे कभी तो दिल क्या उसे दे दूं जान। परी है एक परी, आसमां से आ गिरी, सामने मेरे खड़ी, मुझे उसे प्यार हो गया। हाँ, मुझे उसे प्यार हो गया। के देखा मुझे तो हुआ मेरा दिल फिदा, है उसके जैसी बड़ी सुहानी उस नाजनी की अदा। उसी के ख्वाबों में खोया रहता मैं आज कल रात भर, सुबह सुबह जब मैं आंखें खोलूं आए मुझे वो नजर। परी है एक परी, आसमां से आ गिरी, सामने मेरे खड़ी, मुझे उसे प्यार हो गया। हाँ, मुझे उसे प्यार हो गया। मुझे उसे प्यार हो गया। हुआ नहा रही है। अंजलि, मैं आ गया तुम्हें ले जाने के लिए, बाहर आओ। अरे किसका काम है भाई, कौन हो तुम? इतनी जल्दी मुझे भूल गए? नहीं, मेरा टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, रेफ्रिजरेटर, अवन सब फर्स्ट क्लास चलता है। अब जा। सर, मैं आपसे आखिरी बार विनती करता हूँ, मुझे मत रोकिए, सिर्फ आशीर्वाद देकर अपनी अंजलि मुझे दे दीजिए। ची 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 ची। का तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, इसमें शर्म की क्या बात है? हा? लड़के तो क्या वो तुम्हें बुढ़ी लगती है? आ भाई समझा, तुझे अंजलि की दौलत से प्यार हो गया है। सच बता, ये अंजलि को भूल जाने के लिए तुझे कितना पैसा चाहिए? सच्चे प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो राधे श्याम तिवारी। अरे चुप कर भिखारी, तेरे पास खोने के लिए है ही क्या? मेरी तो इस देश में दुनिया में बड़ी इज्जत है, आबरू है, तूने तो ऐसी भोली भोली चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको बहका दिया और उसने भी यूं यूं करके तुझे दीवाना बना दिया है। लेकिन याद रखना, वो मुझे छोड़कर या तुझ जैसे टपोरी के साथ कभी नहीं जाएगी। अच्छा, अगर इतना यकीन है बुढ़े तो बुलाओ उसे यहाँ और मेरे सामने पूछो। अरे बहुत बार पूछ चुका हूँ, बहुत बार बता चुकी है। झूठ बोलता है साला, अगर वो यही बात यहाँ कर मेरे सामने कहती है ना
तो मैं जिंदगी भर आधी मूछ रखूंगा। अरे उसके लिए मूछवा होने चाहिए, ऐसे दफा हो जा वरना हम पुलिस को बुलाए हैं। पुलिस तो क्या, सारी मिलिट्री दो प्यार करने वालों को जुदा नहीं कर सकती, समझे? और मैं जानता हूँ तुमने मेरी अंजलि को ऊपर के कमरे में बंद करके रखा है। ये तुझे कैसे पता चला? और तू कर भी क्या सकता है तिवारी, अभी चुपचाप अंजलि को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मुझे ऊपर जाके ताला तोड़ना पड़ेगा। अरे वो करने से पहले तुझे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। बस राधे बस, 24 घंटे के अंदर मैं अंजलि को यहाँ से नहीं लेके गया ना, तो मेरा नाम भी जीतो फ्रॉम वीडियो कॉल नहीं है। हाँ तो दूसरा नाम सोचना शुरू कर दे, जा। तेरे पास सिर्फ 24 घंटे है तिवारी, समझे? अपनी माँ का दूध पिया है तो रोक लेना। अभी भेजिया। अरे मैं 1 का 8 का 10,000 देने को तैयार हूँ। हाँ 10, आप अभी के अभी 7 पहलवानों को यहाँ पे भेज दीजिए। हाँ और सुनिए सुनिए, सबके हाथ में बंदूक होनी चाहिए और सभी बंदूक चलनी चाहिए। हाँ नहीं नहीं बैंक नहीं है, मेरे पास एक एंटिक आइटम है, बहुत कीमती है, जो मैं मेरी आंखों के सामने लुटते नहीं देख सकता। ये हॉस्पिटल का बिल तो बहुत ज्यादा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको ये रकम कैसे चुका पाऊंगी। तुम्हारे पति ने ये पैसे चुका दिए, मुझसे 10% ब्याज पे लेकर, ऐसा पति हर एक को नहीं मिलता। अंजलि टैक्सी रेडी है। तुम कब से मुझे बाद में कह के टाल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं अब तुम अपनी नकली घरवाली से असली प्यार करने लगे हो? नहीं नहीं, देखिए सच तो यह है कि आपको गलतफहमी हुई है, दरअसल वो चिट्ठी अब भी मेरे पास है। अगर मुझे धोखा दिया ना तो इस घर से तो तुम्हें निकलवा ही दूंगी और वो चिट्ठी पूरी दुनिया में दिखाकर तुम्हें बदनाम भी कर दूंगी, कह देती हूँ। हाँ नहीं नहीं ऐसा मत करना, देखिए प्यार तो मैं आप ही से करता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि अगर पॉपर सेट को पता चल गया तो वो अपने पैसों की ताकत से हम दोनों को जेल भी भिजवा सकता है। ठीक है बाहर आओ। हाँ? अरे बाहर आओ। ओके। अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी। क्या? कुछ दिन बाद हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। कहाँ? है एक जगह इतनी दूर कि पोपट उड़कर भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन घबराओ मत, तुम किसी सस्ते से होटल में जाके छुप जाओ। कहाँ? रेलवे स्टेशन के सामने एक सस्ता सा लॉज है, वेलकम लॉज, वहाँ तुम नाम बदल कर रहना और पागल होने की एक्टिंग करना, फिर मैं वहाँ आऊंगी और कहूंगी कि तुम अस्पताल से भागे हुए हो और फिर मैं तुम्हें लेकर रेलवे स्टेशन चली जाऊंगी और फिर हम ट्रेन में बैठ के भाग जाएंगे। ऐसा करना जरूरी है? हाँ, अगर हम दोनों साथ साथ में भागे तो पोपट को शक हो जाएगा और अगर हम अलग अलग भागे तो वो सोच भी नहीं सकता कि हम दोनों साथ साथ में भागे हैं। और इस काम में एक आदमी भी मेरी मदद करेगा। कौन? पुलिस सब इंस्पेक्टर वाघ मारे, उसे बस में करना मुझे अच्छी तरह से आता है। ठीक है लेकिन यहाँ से ढेर सारे रुपए भी उठा लेना। चिंता मत करो, मैं इतने गहने और रुपए लेकर आऊंगी कि हम जिंदगी भर हनीमून मनाते रहेंगे। दुलारी! एक बार घर से चोरी तो करो, मैं मारवाड़ी को बोल के तुम्हें हमेशा के लिए हनीमून पर भेज दूंगा। मुझे मालूम है तुमने उसे क्या छुपा के रखा है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? हम कब से बता रहा हूँ कि हमारा कोई दूसरा बेटा नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो फिर वो कौन है? अरे वो हमें क्या मालूम भाई। राधे श्याम, तेजा भाई के सब्र का इम्तिहान मत ले। ओहो तो तुम्हें हमारी बात का विश्वास नहीं है? नहीं है। पक्का? पक्का। 100%? 100%। ओके तो फिर सुनो, देखो तुम जिसकी बात कर रहे हो ना वो मेरा ही बेटा है,
उसने तुम्हारे बेटे के साथ शादी करने का वादा किया है, यह भी सच है, लेकिन कहा है कि मुझे इस शादी से एतराज है, इसलिए मैंने उसको कहीं छुपा के रखा है। अब मैंने कहां छुपा के रखा है यह बताने का मेरा मूड नहीं है, जो हो सकता है वो करो। अब तू भी देख लेना यह तेजा भाई क्या चीज है। अरे तेरे बेटे को तो ढूंढ ही लूंगा, उसके बाद तुम बाप बेटे के हाथों में तंबूरा कटोरा पकड़वा कर मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीख नहीं मंगवाया ना तो मेरा नाम भी तेजा भाई नहीं, अल्लाह के नाम पे दे दे। अब ये भिखारियों का भी ठेकेदार बन गया है। राधे राधे राधे, क्यों आ गया मैं गांव छोड़कर इस नरक में। ए पान की दुकान, इधर कोई झोलझाल पार्टी रहती है क्या, मुझे कचरा सीटने भेजा है। अबे सीधी तरह बता, तेरी तो जो कुछ पूछना इधर पूछो। तू कौन है बे? बाबू बिस्लरी मतलब खबरी। इधर कोई आदमी छिप छिप के बैठा है क्या? हाँ वही छे। कौन है? अरे तू? हाँ मैं। यहाँ क्यों आया? किधर छुप के बैठे हो तुम? ढूंढते ढूंढते मेरे दिमाग का दही हो गया, ऊपर से तुमने नाम भी नकली दिया लॉज में, हर एक कमरे का दरवाजा ठोक ठोक के मैं पागल हो गया। पागल तो मैं हो गया हूँ। तू बोला था तेरा मालिक एक हफ्ते में वापस चला जाएगा, अभी वो वहां से वटकता नहीं तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मरूं? मामला बहुत खतरनाक हो गया है, अगर वहां एक मिनट भी रहता था ना तो कचरा सेठ और बुड्ढे के बीच में मैं चटनी हो जाता। वो जाने दे, अभी यहाँ छुप के टाइम पास करने में कोई फायदा नहीं, कुछ ना कुछ तो फैसला करना ही चाहिए। फैसला तो कचरा सेठ ने किया है कि अब ये शादी नहीं होगी। वो तो तुम्हें मारने की फिराक में है, उसके पहले अगर शादी नहीं हुई तो वो मेरी हड्डी पसली एक करेगा ना, वो जाने दे। एक काम कर, मैं तुझे एक चिट्ठी देता हूँ, वो चुपचाप जाके माधुरी को दे दे, किसी को इतनी सी भी खबर नहीं लगनी चाहिए। तुम बिंदास चिट्ठी लिख दो, साथ में 200 रुपए भी मुझे दे दो, मैं फटाफट माधुरी को ये चिट्ठी पहुँचा दूंगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। शादी का वादा करके तेजा की इज्जत के साथ खेलेगा? अरे तूने बहुत सारी लड़कियों को धोखा दिया होगा, लेकिन तेजा को धोखा नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दो। अरे दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ने का खर्चा करता हूँ मैं। साले मैं तेरे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़कर उसकी माला बनाकर तेरे घमंडी बाप की गर्दन में पहनाऊंगा। अरे दरवाजा खोल। सुअर की औलाद, तू क्या सोच रहा है? तू यहाँ छुप कर बैठेगा और मैं तेरे को ढूंढ नहीं पाऊंगा? अरे मेरी वो नजर है कि उड़ती हुई मक्खी को देखकर बता सकता हूँ कि वो मर्द है कि जनाना। दरवाजा खोल। छोटा चेतन के गुंडे, हमें वो शादी नहीं करनी, हमें छोड़ दो। अबे ओ, हम तेरी बारात नहीं मैयत निकालने आए हैं। नहीं नहीं, हमें शादी नहीं करनी, हम उससे बहुत दूर चले जाएंगे। अबे चुप, लड़की तो तेरे को सपने में भी नहीं मिलेगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बाहर निकल साले। ए दरवाजा तोड़ दो, जैसे होली में गधे को मारते हैं ना, वैसे मार मार के साले का कीमा बना के मेरी जूती बना के रहो। मारो साले को। साला ड्रामा कर रहा था, बेटी के साथ खेल रहा था। वोट साले। ये कौन है? अबे ओ, तूने तो कहा था कि वो कमीना अंदर बैठा है। मुझे उस कमीने ने बताया था। छोड़ो जोकर को और ढूंढो वो कुत्ते का पिल्ला कहाँ है, चलो यहाँ से। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? आ, 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 आ। अच्छा हुआ यार तू जल्दी आ गया, किसे मिल रहा है?
देखो काम तो मैं कर देगा, लेकिन वो खोली का कागजात और 50,000 रुपए का स्टैम्प पेपर है ना, कोई बात नहीं वो मेरे हाथ में चोरी छिपेला के देने का, वो मैं कर दूंगी। अभी तक देखा नहीं ना मैं पार्टी को, उसको एक बार मिल सकते हैं क्या? मैं वेलकम लॉज में मिलेगा। वेलकम लॉज में जाके नंदू बोलेगा तो बताएगा मेरे को? नहीं नहीं, वो नाम बदल कर रहने वाला है, यानी उसे पागलपन का नाटक करने को कहा है, तुम उसी से उसे पहचान लेना। वेलकम लॉज, ठीक है वेलकम लॉज में जाएगा मैं तुम्हारे पंटर को मिलेगा, वहाँ जाके बोलेगा ये इस पार्टी ने भेज ले करके, उसको ताबड़तोब वहाँ से निकाल के दूसरे दिन सीधे ट्रेन के पास खड़ा करेगा। वहाँ मैं तैयार खड़ी रहूंगी, फिर मैं और मेरा नंदू कहीं दूर भाग जाएंगे। मेरे को बताओ इधर ऐसा कोई आदमी रहता है क्या जिसका स्क्रू ड्रिल है? और कोई पागल रहता है क्या इधर? सेठ को पूछ लो आप। ये लेना ना देना फोकट का बैठने घुमाना ये बोल के रखता है, मेरे को पक्का मालूम है पागल खाने से एक पागल भाग के आके इधर ही छुपे ले। अरे पागल खाने से भाग, अरे ऐसा बोलो ना सर, 110% वो पागल इधर ही छुपे लाए। कौन है? आइटम असली है। तुम पुलिस वाले हो ना? पुलिस वाले भैया, पुलिस वाले भैया, मुझे किसी भी तरह से हाथ निकाल लो, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। लोग आ रहे तुम्हें लेने के वास्ते। हम खुद ही चले जाऊंगा। ऐसा कैसे जा सकते? जाऊंगा तो क्या कर लोगे? तू नहीं जा सकता, सबको मालूम है तेरा स्क्रू ढीला है, तू पागल है। पुलिस वाले भैया, इन सबकी मिली भगत है, मैं बताता हूँ आपको। हाथ आटा के बात करने का? मैं बताता हूँ, ये सब मुझे पागल साबित करके मुझे यहाँ से ले जाके मुझे मार डालने की साजिश है उस छोटा चेतन की। देखा मैं बोला था ना पागल है, कुछ भी बोलता है मालूम है। कंगारू तुझे मार डालूंगा मैं। ले चल बाहर जाने का, मेरे को इसके साथ राड़ा करता है। ये भी उससे मिला हुआ है। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? इधर आ। क्या है? जरूरी बात करने के तुमसे। नहीं नहीं, मैं मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। अरे घबराने का नहीं रे बाबा, मैं इंस्पेक्टर वाग मारे दूसरी पार्टी ने भेजा है। दूसरी पार्टी? वो बरोबर 10 बजे तुमको लेने को आएगी। बाबा हम दोनों ने मिलके तो प्लान बनाया ना तुमको पहुंचाने। ये तुम भी उसके साथ मिले हुए हो? हे भगवान, अब मुझे पता चला कि छोटा चेतन से पुलिस क्यों डरती है। अरे बाबा, मेरी समझ में ये नहीं आता साली, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? अरे वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। जो आइलो बचपन से। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। लोगों को समझने दे कि तू पागल है। मैं पागल नहीं हूँ। चल चल साले को पकड़। देख साहब इसको पकड़। सुने कल सुबह इसका बहन और मैं लेने को आएगा, इसको संभालने का सारा खर्चा तुम करने का। लेकिन बिस्लरी को चाय पानी का खर्चा मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। मगर ये भागा ना तो मिलेगा कान के नीचे। ये तो क्या कह रही है, अनिल पागल हो गया? कभी भी कमरे से बाहर ही नहीं निकलता, नकली नाम से रहता है, ऐसा एक ही आदमी है यहाँ। हाँ फिर तो वो अनिल ही है, उसने मुझे चिट्ठी में भी लिखा था वो यहाँ छुपके रह रहा है। मुझे उस लड़की ने धोखा दिया, ऐसा चिल्लाता है वो, शायद तुम्हें गलत समझ के मुझे मार डालो, मुझे मार डालो ऐसा भी चिल्लाता है वो, शायद तुम्हारे पापा के डर से। जो भी हो इस वक्त उसे यहीं कहीं छुपा के रखा है और कल सुबह उसे पागल खाने ले जाएंगे। अरे माधुरी, तू क्यों बच्चों जैसी रो रही है? उसकी ये हालत मेरी वजह से ही तो हुई है। बहुत दिनों से अपने मन में एक बात लेके घूम रहा हूँ। हाँ तो कह दो। तुम जैसे सोच लो मैं कोई गाने वाला नहीं हूँ, मैं एक अमीर घर का इकलौता बेटा हूँ। दौलत और शौहरत की कोई कमी नहीं थी मेरे घर में, लेकिन मेरे माँ बाप को मेरे संगीत से दुश्मनी थी। वो चाहते थे कि मैं उनका कारोबार संभालूं, जो मुझे मंजूर नहीं था। बस वहाँ मेरा दम घुटने लगा और मैं वहाँ से भागा है।
ये सब तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? आज तक जो नाटक करते रहे, क्या हम उसे हकीकत बने? उसको लेने के वास्ते रात को कोई प्रॉब्लम नहीं किया ना? नहीं, उसने थोड़ा लफड़ा किया था, मैंने उसके टकले पे ऐसा हथौड़ा मारा ना कि मर गया। नहीं नहीं, प्लास्टिक का कप इतनी आसानी से थोड़ी फूटता है। और एक दो हथौड़ा मार के उसको लेके जाने का गाड़ी में डाल के, कब पूरा बैंड बजाता हूँ। बहुत दिन से हाथ साफ नहीं किया मैंने, आज हाथ करता हूँ। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का, इतना पागल नहीं बनने का बात। अरे बोला, इसके मुंह में जवान है या गुंगा नहीं है? काट डालूंगा मैं, आज या तुम रहोगी या मैं। पहले तुम्हें मारूंगा, बाद में मैं मर जाऊंगा, काट डालूंगा मैं। मार डालो मुझे, काट डालो मुझे, शांत हो जाओ अंजलि बहन, शांत हो जाओ। चीखने चिल्लाने से क्या होगा सर, पड़ोसी गुड़ की तरह खिड़कियों को चिपक जाएंगे। घर की इज्जत आबरू चली गई तो शहर में सारे उठा के जिएंगे कैसे? अरे इज्जत आबरू बची कहाँ है जो जाएगी? ये देखो ये चिट्ठी, इसके नन्ने मुन्ने आशिक ने लिखी। ये देखो मेरी प्यारी अंजलि, हम दोनों का दिल मेरी दुकान में मिले और एक हो गए। मैं जानता हूं वो बूढ़ा तुम्हारे पांव की जंजीर बन गया है, और मैंने उस कमीने को पटाने के लिए साम दाम दंड भेद सब ट्राई किया, मगर सड़ा मानता ही नहीं है। झूठ, ये सब झूठ है। चुप कर, नहीं तो काट डालूंगा। हाँ, और लिखा है अब एक कई रास्ता बचा है, आज रात मैं तुम्हें उस नरक से चोरी छुपे उड़ा ले जाऊंगा। उड़ो उड़ो, चोरी छुपे काहे को सबकी नजर के सामने उड़ो, लेकिन उससे पहले हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म करके उड़ो। ये सब इन्होंने किसी से लिखवाया है? मुझे निकाल कर उस जवान लौंडी को घर में बिठाने की चाह रहे हैं। कौन से जवान लौंडी बात? इसलिए ये सब झूठे सबूत पैदा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन पहले मैं जो अपने मायके से तीन अंबर से बेचे ने गाड़ियां भर के जो सोने लेकर आई थी वो सूद समेत वापस चाहिए ना? हाँ। यही चाहिए ना तुम्हें? हाँ। नहीं दूंगा, एक ठेला नहीं दूंगा, जो हो सकता है वो करो, जाओ जाओ जाके केस करो, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ से दफा हो जाओ बस। अब ये रोना भी है तो वीडियो कॉल के कंधे पे सर रख के रहो, यहाँ आंसू मत बहाओ। भाई साहब, अंजलि बहन को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आप कह रहे हैं वैसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। इनका नहीं है तो क्या इनका है? मैं तिवारी सर को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपकी जानकारी के बारे में कुछ ना कहा जाए तो ही अच्छा है। सर, औरत जात पे भरोसा करना खुदकशी करने जैसा है। मुझे तो शक है कि मेरी पीठ के पीछे तुम्हारा भी कोई चक्कर चल रहा है। अरे वाह, काले कोट, अरे तुम हमारा सुलझाने आए हो कि खुद आपस में उलझने आए हो? नहीं सर, सर इस गुत्थी को तो सुलझाना ही पड़ेगा। इसके पीछे कौन है ये जानने के बाद ही हम कोई फैसला कर सकते हैं। कौन है वो लड़का? अभी बुलाते हैं उसे यहाँ। बुलाते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं, नहीं, नहीं बुलाता उस लौंडे। नहीं 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 भाई साहब, नहीं, वो लड़का यहाँ आएगा लेकिन एक शर्त है। आप बहुत गर्म दिमाग के आदमी है, ये मुझे, लेकिन उस लड़के को आप शांति से ठंडे दिमाग से कोई तमाशा किए बगैर समझाएंगे। ये घर की बात है, घर के अंदर ही रहनी चाहिए। हम दोनों अंदर चले जाते हैं ताकि उसे ऐसा ना लगे कि पूरी दुनिया के सामने आप उसे जलील कर रहे हैं। चे, 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 चे। तिवारी बोल, मैं आ गया हूँ। ये मजनू की दास्तान तुमने लिखी है क्या? ये चिट्ठी कि अंजलि, हम दोनों के दिल मैंने लिखी। तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये सोच समझ लेने के बाद भी ये चिट्ठी तुमने लिखी? जी।
अब इतनी हिम्मत हो ही गई है तो मेरे मुंह पे ही बता दो कि अंजलि को तुम कितना प्यार करते हो। अंजलि मेरी जान है, जान है, जान है। एक बार और सुनना है वकील बाबू। तू पापा पा। ओहो, तो तुम इस खेत की फसल हो, फिर तो बिल्कुल ठीक है। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना, ठीक है। अब लड़के जवानी में शरारत करते ही हैं, लेकिन घर की औरतों को तो अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए ना। जबान संभालिए अपनी। लो अब सच बोलो तो सबको मिर्ची लगती है। मेरा बेटा कैरेक्टर में चाहे कैसा भी हो, आपसे तो अच्छा है। आपकी तरह नहीं, खुद ही को मालूम ना हो पूरे शहर में कितने बेटे घूम रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सच बता, मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं तो? तो फिर? तो फिर क्या, मैं अंजलि इसकी बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरी बेटी अंजलि? आप ये कौन सी बेटी है? झूठ बोल। एक बेटी भी है। अरे ये झूठ बोल रहा है। अरे इसको समझाइए, ये झूठ बोल, झूठ है। मुझे 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 कुछ और बेटी का बेटा भी नहीं है। सच बता मुझे, मेरी जानकारी के बाहर कितने बीवी बच्चे हैं तुम्हारे? अरे भगवान, ये झूठ बोल रहा है। अरे झूठ बोलता है तू? रोज उसे यहाँ छोड़ के जाता था मैं, साले ससुर। ए, साला की ससुर भी क्लियर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वो लड़की अभी है कहाँ? पापा, इस बुढ़े ने उसे कहीं छुपा के रखा होगा। हे भगवान, ये आदमी है कि हैवान? झूठ बोल रहा है, ये झूठ है। उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है? हाँ, उसकी दोस्त का नंबर है मेरे पास। पूछो उसे कहाँ है वो, बुलाओ यहाँ। हाँ बुलाओ उसे, बुलाओ यहाँ पे। अरे अरे, ये तो अपना नंदू है। घर से भाग गया है, पता बताने वाले को 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख रुपए? अरे लग गई पोपट, तने 2 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। अब देखता हूँ तू बाहर कैसे निकलता है। 2 लाख रुपए का सवाल है भाई। पोपट जी, तू बाहर कैसे निकल गया? पोपट जी, पोपट जी, मैं जा रहा हूँ। तू जा रहा है? अरे ऐसे कैसे जा सकता है? अरे पेपर में पब्लिक सिटी छपी है, तेरा फोटो छपा है। 2 लाख रुपए मिलेंगे उस आदमी को जो तुझे घर ले जाएगा। मेरे 2 लाख रुपए पे पानी मत फेरना। अरे रुक जा, रुक जा, अरे रुक जा, मेरे से मत भाग। ओए तुम्हारी कुछ याद आ रहा है? ये आपकी बेटी नहीं है? सोचने में थोड़ी सी गलती होगी। वो जो बगीचे में छुप छुप कर मिलते थे, वो बाप और बेटी थे। नहीं 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 नहीं, भगवान मुझे उठा ले। अरे वो भगवान है, पहलवान नहीं है, मोटी। चुप कर, अरे चुप कर। बेटी एक बात बताओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ का है? अरे खुद उसको बेटी बोलते हो और उससे पूछते हो बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ? अरे चुप कर। अरे बेटी तू मेरा बाप है का? मैं तुम्हारा बाप हूँ का है? अरे जल्दी बताओ, मेरा सुहाग का सवाल है। नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें तो कहा था कि तुम इसकी बेटी हो, और फिर तुम्हारे पिताजी को तुम्हारा मेरी दुकान में काम करना पसंद नहीं, और मैं तुमसे मिला भी इसी घर में था। देखिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी गलतफहमी मेरी वजह से हो रही है। लेकिन आप प्लीज मेरी बात एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। मैं शहर में सिर्फ एक नौकरी की तलाश में आई थी, बहुत कोशिश की मगर नहीं मिली। और फिर मुझे जब इनकी दुकान पे नौकरी करने का मौका मिला तो मैं वो गंवाना नहीं चाहती थी, बस इसीलिए मैंने झूठ पे झूठ बोला। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे कई झूठ का पहाड़ खड़ा करना पड़ा, यही एक सच्चाई है। आज कई दिनों के बाद मैंने पहला सच बोला है। देखो बिटिया, रोना बंद करो, जो हुआ सो हुआ, और हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ? लेकिन वो तुम्हारा दूसरा बेटा? अरे यार फिर से शुरू हो गए, मेरे दूसरे बेटे दिखाऊं? दिखाऊं? मैं आखिरी बार आया हूँ। ये एक झमेला खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। आइए, आप ही की कमी थी, आइए। आज या तो इस बार या उस बार हो जाऊंगा मैं। तुम लोगों को शायद पता ना हो कि मैं कितना घटिया और कमीना किस्म का आदमी हूँ। नहीं नहीं, वो तो तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया था मैं। खामोश, मेरी बेटी कहाँ है? क्या बेटी? अरे इतने दिन से पूछ रहा था मेरा बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है, अब पूछे मेरी बेटी कहाँ? तुझे कोई बीमारी है का है? अरे
जब तेरे को पता चला कि तेरे बेटे को उठा के मैं अपनी बेटी के साथ शादी करवा दूंगा, तूने मेरी बेटी को अगवा कर लिया। कहां मेरी बेटी? उसने मेरे साथ शादी कर ली और मेरे साथ बहुत सुखी है ससुर जी। अरे चुप कर। अरे तू कर क्या लेगा? अरे क्या कर लेगा? बोल। तेरी जान ले लूंगा। मैं खिलौना नहीं है। नीचे करो, नीचे करो, गोली चल जाएगी, हम मर जाएंगे, नीचे करो। अरे तू चुप बैठ। तेरे पे तो 8-10 गोली ऐसे ही छुट्टी फेंक दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग मिले हुए हो, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो, इसलिए तुम सबको मेरे साथ आना होगा। और किसी ने अगर नहीं बोला ना तो वो आखिरी बार बोलेगा। चलो मेरे साथ। ये बगीचा नहीं है, मेरा अड्डा है, मेरा मौत का अड्डा। बोल मेरी बेटी कहाँ है? अरे बहुत तंग आ गए यार, घर से लेकर यहाँ तक 25 किलोमीटर में 50 बार पूछ चुके हो। बेटी कहाँ है? बेटी का समझे? कौन सी भाषा समझते हो? मेरी बेटी कहाँ है? ये लो फिर से पूछ रहा है। बता नहीं तो खून पी जाऊंगा मैं। ये नाम बदला है। साले हम तो गाय को चुनते हो। मालिक, तेरा बाप मरा था ना, अब उसका बेटा मरेगा। क्या बात है, मैं संपे ए पागल। कैसे कैसे? मेरी बेटी कहाँ है बता। खुदकुशी कर लिया उसने, सूखे कुएं में कूद के जान दे दी है बेचारी ने। मजाक करता है, मजाक करता है साले। इस बंदूक के अंदर जितनी गोलियां है ना सब असली है। देखना चाहता है, देखना चाहता है। ये देख। ए हीरो, तुझे गोली क्या मोबाइल से भेजूं क्या? हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। अजी सुनिए, और कितना दौड़ा है? हम्म,
माचिस है क्या? अरे अंजलि किधर है भाई? सब कुछ कैसे शांत हो गया ना, जैसे किसी तूफानी बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है। काफी बातें भी साफ हो गई हैं। देखो मैं मानता हूं कि तुम तिवारी की बेटी हो, यही सोचकर मैंने तुमसे प्यार किया था। देखो जिंदगी में किसी न किसी लड़की को सर पे बिठाना ही है, तो मैं सोच रहा था कि तुम। वो जीतू कह रहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, नंदू भी यही कहता है। वो दरअसल इतने दिनों तक मैं और नंदू पति पत्नी बनने का नाटक कर रहे थे ना, तो वो कंसिडरेशन तो नंदू को मिलना चाहिए। तो क्या दोनों से शादी करोगी? नहीं नहीं, दरअसल ये सब हंगामा जब चल रहा था ना, तब मैंने इस मसले का एक रास्ता निकाल लिया है। वो क्या तय करना है। इनमें मैंने दोनों के नाम लिखे हैं, जिसका नाम आएगा उसी से शादी करूंगी। क्या नंदू, प्लीज एक चिट्ठी चुनो। मैं नहीं चुनूंगा, इसमें मैं हमेशा हार जाता हूँ। नंदू मैं नहीं चुनूंगा। हमारे मैं हमेशा हार जाता हूँ, मैं नहीं चुनूंगा। हमारे पास नहीं, नहीं, कोई रास्ता नहीं है। देखो मैं नहीं चुनूंगा। नहीं, मैंने भगवान से प्रार्थना की है, मैं नहीं चुनूंगा, कि वही मुझे सही लड़का चुनने में मदद करे। जीतू तुम ही यहां से एक चिट्ठी चुनो प्लीज। मुझे मालूम था कि मैं हार जाऊंगा नंदू। नंदू इसमें भी नंदू ला ला।
For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.